श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा वो आज नहीं तो कल होगा ये बात ध्यान दीजिएगा <laughs> नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेज में दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा क्या हलचाल है कैसे हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बहुत बढ़िया तो दोस्तों आपके लिए एस एस के लिए जबरदस्त जी के जी का क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के डिमांड पर डिमांड सप्लाई पर आधारित है बाबू डिमांड और सप्लाई पर आधारित है जिस तरीके से डिमांड आपने किया है उसी तरीके से सप्लाई इधर से कुमार वर्मा की तरफ से किया जा रहा है तो चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुन्ना मुन्ना भाई एम बी बी विहार से बहुत बढ़िया नमस्कार बाबू प्रिया सिंह संतोष कुमार बबली यादवाज कूल cool. संतोष कुमार संतोषम परम सुखम धनम बहुत बढ़िया <laughs> चलिए संतोष बाबू एकदम दुआ है दुआ एकदम दुआ क्या है आशीर्वाद है शुभकामना है माय ऑल विशेष ऑलवेज विद यू एट द एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ एंड योर एग्जामिनेशन हाँ गुड्डू चौधरी साहब चलिए तो सभी दोस्त आकर जुड़ चुके हैं एक बार जरा शहर में ढिंडोरा पीट दीजिए कि आपके महाराज कुमार वर्मा लौट आए हैं और उसके बाद फिर युद्ध पे चला जाए युद्ध वार किया जाए युद्ध वार किया जाए तो चलिए भैया बाबू चला ध्यान से प्यार से मोहब्बत से गाड़ी हाँका जाए अब गाड़ी में गियर लगाता हूँ देखिएगा बाबू गियर रहेगा तो थोड़ा फास्ट चलेगा गाड़ी में गियर जो लगाने जा रहा हूँ फास्ट लेके चलूंगा परेशान ना होइएगा आप लोग पहला सवाल आपके सामने आ गया है पहला सवाल देखिएगा पहला सवाल का आंसर दीजिएगा पहला सवाल कहता है डोंट लाफ डोंट लाफ वी आर पुलिस डोंट लाफ डोंट लाफ ही देखा हिमांशु बाबू पहले ही बॉल पर आउट हो गया पहले ही बॉल पर जो है आउट हो गया मैंने कहा डिफेंस खेलो डिफेंस खेलो अटैक अटैक मत हो अटैक मत हो बाबू अटैक मत हो, हो। यादबाज बहुत बढ़िया हिमांशु बाबू डोंट लाफ डोंट लाफ हंसना मना है

यही है डोंट लाफ है ना यही है डोंट लाफ डोंट लाफ का मतलब अगर आपने अगर आपने हंसा तो लाल कर दिए जाएंगे लाल तो लाल बोहरा का नाम याद रखिएगा अगला देखा कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की बात करता है आई एस आई की बात करता है देखा आई एस आई की बात करता है एकदम जानदार सवाल है शानदार सवाल है निहारिका बिटिया बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है शानदार एकदम जबरदस्त निहारिका ने ठोक दिया है पीसी महालोबिस इसी को कहा जाता है पीसी महालोबिस याद रखिएगा एक बात लगे हाथ चट मंगनी पट ब्याह पट गौना पट विदाई पट रोना पिटना सब यहीं पर देखा यहीं पर यहां इनका याद रखिएगा इनको कहा जाता है फाइव ईयर प्लान का जन्मदाता फाइव ईयर प्लान जो है इसी के वास्तुकार कहे जाते हैं वास्तुकार कहे जाते हैं पीसी महालोबी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक वर्ष २९ जून को मनाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी दिवस है। और साथ में यह भी याद रखिएगा भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं भारतीय है।

करके कर दिया गया क्या स्थापना एक बार वीडियो को सेशन को शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से उसके बाद धीरे धीरे भी फार्म फार्म मेंटेन हो जाएगा हमारा परेशान ना होइएगा मेंटेन होगा हिमांशु 1931 प्रिया सिंह 1931 बात समझ गया ना बेटा बहुत बढ़िया अंकित मिश्रा आंसर पे ध्यान दीजिए बेटा आंसर पे रामदेव बाबा रामदेव को जय हो जय हो बाबा रामदेव क्या बात है बेटा शानदार आकाश गुप्ता चला यार देखा अगला तालचर की बात करता तालचर 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 किसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण जल्दी बताओ जल्दी बताओ बता। बेटा एकदम शानदार बहुत बढ़िया बेटा हिमांशु सिंह को नमन है नमन है कुमार वर्मा का नमन है कुमार वर्मा का हिमांशु सिंह को बहुत बढ़िया बेटा कहेंगे भारी जल भारी जल का मतलब क्या होता है भारी जल का मतलब क्या हुआ इसी को कहा जाता है डीटीओ कहा जाता है यानी यह क्या है वास्तव में क्या है कहेंगे तो ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है ड्यूटीरियम का ड्यूटीरियम का क्या है बेटा ड्यूटीरियम का ऑक्साइड होता है ना बेटा बहुत बढ़िया निहारियाल लाजवाब शानदार प्रदर्शन तो भारी जल याद रखिएगा अगला सवाल देखा डॉक्टर सी बी रमण को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया पुरस्कार का मतलब भौकाल मेंटेन हो गया इनका ये बाउ भौकाल मेंटेन हो गया कल का पीडीएफ नहीं मिली कल का पीटीएफ तो दिया है प्रिया सिंह जीके जी भाई कुमार वर्मा पे ठोक करके जाके देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल है जीके जी भाई कुमार वर्मा वहां पे पड़ा हुआ है यहां पर नोबेल पुरस्कार किसको मिला बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है पीसीएस साहब और भगवान करें कि आप पीसीएस बन जाए भविष्य में ईश्वर से प्रार्थना यही करता हूं आप कहेंगे प्रकाश का इसी को स्कैटरिंग इस कहा जाता है स्कैटरिंग कहा जाता है और इसी स्कैटरिंग यानी इसी को क्या कहा जाता है इसी को रमन प्रभाव कहते यही आपका रमन प्रभाव है और इसी रमन प्रभाव के रिस्पेक्ट में क्या हुआ था इनको नोबेल पुरस्कार मिला था याद रखिएगा कब कहेंगे अट्ठाईस अट्ठाईस फरवरी अट्ठाईस फरवरी को मनाया जाता क्या आप कहेंगे गुरु जी मनाया जाता है विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इन्होंने क्या किया था रमन प्रभाव दिया था तो ये बात आप समझ गए ठीक है ना बात समझ गए बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है अतुल यादव जय हिंद बाबू जय हिंद चल आगे देखा फिजिक्स में देखा अगला है अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया पहला पुरस्कार कह रहा अर्थशास्त्र में कब दिया गया आप कहेंगे उन्नीस पहले उनहत्तर तो में कितने लोगों को कहेंगे दो लोगों को दो लोगों को दिया गया एक किसको आप कहेंगे टीन वेरेगन को एक टीन वेरेगन है वेरेगन और साथ में है एक आपके कौन है कहना तो रेगनर फ्रिंस रेगनर फ्रिंस है फ्रिंस ये दो लोगों को क्या हुआ नोबेल पुरस्कार मिला है लेकिन नोबेल को शामिल कब किया गया नोबेल यानी अर्थशास्त्र का नोबेल कब शामिल हुआ अर्थशास्त्र का नोबेल अर्थशास्त्र का क्या बेटा आप कहेंगे नोबेल शामिल कब हुआ आप कहोगे ये हुआ 1900 में शामिल हुआ लेकिन दिया गया कब आप कहेंगे उन्नीस में बहुत बढ़िया एकदम झोंक करके आंसर ठोक जितना जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल लगे उसको झोरा में में बोरा में भरते रहिए जितना झोरा बोरा भरेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट रहेगा साथ में याद रखिएगा बेटा भारत की तरफ से पाने वाले कौन है कहेंगे अमर्त्य सेन है अमर्त्य सेन का नाम याद रखिएगा इनको उन्नीस में मिला है और साथ में याद रखिएगा अभिजीत बनर्जी अभिजीत बनर्जी जी का नाम याद रखिएगा इनको मिला है कब 2017 में भारत की तरफ से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले यही दो महारथी हैं भारत की तरफ से अगला देखिएगा पुरस्कार पुरस्कार एक पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिए जाने योगदान के लिए दिया जाता है चलो भाई जल्दी बताइएगा यहां पर देखा जाए किसका आंसर बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया पीसीएस साहब क्या बात है शानदार बहुत बढ़िया निहार का गुड़िया लाजवाब अतुल यादवाज शानदार बेटा वास्तुकला का है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार ये बात आप समझ गए आगे बढ़ते अगला देखिएगा ज्ञानपीठ की बात करता है बेटा ज्ञानपीठ की बात करता है ज्ञानपीठ की बात करता है ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए जो ज्ञानी आदमी होता है ना ज्ञानी ज्ञानी कौन है शंकर भगवान है देखिए अकाल मृत्यु से वो मरे जो काम करे चांडाल का और का और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़ बोल बच्चा क्या चाहिए देखो बाबू लिखा है ज्ञान पीठ है और ज्ञान का मतलब होता है शंकर शंकर भगवान कैसे हैं ज्ञानी आदमी है बहुत बड़े ज्ञानी आदमी है त्रिकालदर्शी है ज्ञानी आदमी है कौन शंकर भगवान है तो ज्ञान पीठ पाने वाले कौन है आप कहेंगे जी शंकर क्रूप याद रखिएगा ये मलयालम भाषा के मलयालम मलयालम भाषा के क्या थे कवि है कभी ये बात याद रखिएगा किससे संबंधित है आप कहेंगे मलयालम कभी मलयालम कभी बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है अतुल राज अतुल अतुल अतुल, अतुल निभा यादवाज शानदार बेटा शानदार है यार देखा मरणोप्रांत भारत रत्न उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था मरने के बाद मरने के बाद कह रहा है मरने के बात कर रहा है मरने के बात कर रहा है निहारिका ने कह दिया अरे वाह बिटिया क्या बात है गुड़िया लाजवाब शानदार प्रदर्शन चल रहा आपका बेटा बहुत अच्छा यहां पर संतोष भी कम नहीं है संतोष भी कम नहीं है यादव जी भी कम नहीं है बहुत बढ़िया बेटा लाल बहादुर शास्त्री याद रखिएगा उन्नीस सौ में क्या हुआ इनकी मृत्यु हुई इनकी मृत्यु कब हुई में हुआ कहेंगे कहें? देखा में ही क्या होता कहेंगे ताशकंद समझौता ताशकंद समझौता समझौता होता, होता, होता है और कहा होता है कहेंगे उज्बेकिस्तान में होता है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है वहीं पर होता समझौता और यहीं पर जब समझौता होता उसी रतिया में क्या होता है इनकी मृत्यु हो जाती है पता नहीं चलता कैसे मृत्यु होती है तो बात समझ गए आप अगला देखिएगा महात्मा गांधी शांति पुरस्कार देखा भैया शांति बात नहीं मानती शांति कहां गया मेरा भाई कहां गया मेरा दोस्त कहां गया शांतिलाल शांतिलाल नहीं है आज चलिए उससे संबंधित एक सवाल आ गया चलिए इधर बताइएगा ये देखा नाच 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 मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा ये देखा नाचना स्टार्ट हो गया वाह वाह यहां इसका मतलब लिख दिया जाए जहरवा पी लाए बाबू हेर देखा जहर आ गया जहर बाबू जहर आ गया ये देखा हिमांशु हाँ ठीक है सोच में पड़ गया सोच में याद रखना मेरे दोस्त याद कैसे रखेंगे बात करता महात्मा गांधी जानते हैं महात्मा गांधी एक बहुत महान पुरुष थे महान पुरुष थे उनकी जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है वह एक रिनाउंड एक रिनाउंड चलिए और क्या है एक रिनाउंड एक एक रिनाउंड क्या है एक महान गांधी जी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं कहता है उनकी शांति के लिए याद रखिए भैया उनकी शांति के लिए उनकी शांति के लिए क्या इतना लाख लाख में लाख में याद रखिएगा एक करोड़ शांति के लिए कितना रुपया, रुपया चाहिए माल पानी कितना चाहिए एक लाख महात्मा गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की शांति के लिए एक करोड़ रुपया कितना एक करोड़ रुपया बहुत आवश्यक है ये बात ध्यान दीजिएगा महात्मा गांधी की शांति के लिए एक करोड़ एक 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 ही व्यक्ति तो था गांधी जबरदस्त धाकड़ चला आगे देखा अगला है सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय पीएम की बात करता है अच्छा पीएम की बात वहां आप ध्यान बोइए तब तक हम यहां पे बात करते हैं यहां पर राष्ट्रपति की बात करता हूं ये राष्ट्रपति की बात करता हूं राष्ट्रपति कौन है जो सियाचिन जाने वाला पहला राष्ट्रपति है आप कहेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम है अब्दुल कलाम है बेटा अब्दुल कलाम हैं, याद रखिएगा। ये प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सियाचिन गए हैं बाकी आदित्य कुमार संतोष यादवाज बहुत बढ़िया बेटा लूसीफर साहब एकदम ठोक दिया ये मनमोहन सिंह का नाम याद रखिएगा। सियाचिन जाने वाले यही हैं। और सियाचिन की अगर बात किया जाए तो सियाचिन याद रखिएगा दोस्तों 1984 में क्या हुआ था कहेंगे ऑपरेशन मेघदूत ऑपरेशन क्या हुआ था मेघदूत हुआ था मेघदूत और इस ऑपरेशन मेघदूत के तहत क्या हुआ था भारत ने दोबारा से नियंत्रण स्थापित कर लिया था इसी सियाचिन पर क्योंकि पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी बाबू बहुत बड़ा धोखाबाज आदमी है याद रखिएगा धोखेबाज आदमी बहुत बड़ा है तो इसीलिए क्या किया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा किया था इसीलिए सियाचिन को कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल इसी को कहा जाता है और यह सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी कहा जाता है बात आप समझिए इसको आप नोटिया लीजिएगा आगे देखा ऑपरेशन पवन ई देखा अब अना आपने देखा ऑपरेशन पवन ऑपरेशन पवन ऑपरेशन मेघदूत देखा अब आपके सामने आ गया है ऑपरेशन पवन पवन ये बताइए जब श्री रामचंद्र जी वनवास में गए थे उस समय आपने देखा होगा कि सीता मैया का हरण किसने कर लिया <laughs> कंस ने कर लिया वाह भैया वाह किसने किया रावण ने कर लिया था तब वही पवन पुत्र हनुमान कहाँ गए थे लंका गए थे लंका पवन पुत्र हनुमान की जय हो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सिया बल रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय बात समझ गए यानी ऑपरेशन पवन का मतलब हनुमान कहां गए थे बाबू कहेंगे श्रीलंका गए थे ये श्रीलंका के साथ क्या है ऑपरेशन पवन किया गया था जो श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया था उसी युद्ध की शांति करने के लिए उसी उसी को खत्म करने के उद्देश्य से ये भारत ने चलाया था ऑपरेशन पवन चलाया था बात आप समझ गए पवन मतलब श्रीलंका रावण के दरबार में गए थे ठीक है हनुमान जी गए थे यार देखा निम्न में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है लाइट हाउस का मतलब होता है प्रकाश स्तंभ इसका मतलब होता प्रकाश स्तंभ कहा जाता प्रकाश स्तंभ यानी प्रत्येक आधे घंटे में क्या होता बेटा आधे घंटवा में भूमध्य सागर में लगातार आधा आधा घंटा में निकलता है अंदर से माल निकलता माल कौन सा माल हो आप कहेंगे मैग्मा निकलता है तो मैग्मा क्या होता है प्रत्येक आधा घंटा में आधा घंटा में क्या होता है प्रत्येक आधा घंटा मैग्मा निकलता है तो लाइट जनरेट होता है भूमध्य सागर में तो जब कोई नाविक होता है तो उसे लग जाता भैया हम

या निम्न में से किसको भारत की सिप्र सि, सिंप्र सिम्प्र राजधानी कहा जाता है यहाँ पर एकदम ईमानदारी से आप सभी लोग है ना उमेश बाबू निहारिका बिटिया और सॉलीट्यूड सभी लोग ईमानदारी से आप बताइएगा ईमानदारी से इसका आंसर दीजिएगा खाली अंधा में तीर मठ ठोकीगा ठीक है ना हाँ देखा अब स्टार्ट हो गया वाह ये भैया हे भैया राहुल भैया यार देखा क्लास में गाना चल रहा नाटक चल रहा इधर देखा नाच गाना शुरू हो गया अरे वाह अरे वाह भैया ये देखा हाई है नाच है और क्या है गाना है नाच और गाना दोनों चल रहा है नाच नाच गाना दोनों चल रहा देखा 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 भैया सब लोग लौट चुके हैं एक लाइन से लौट चुके हैं सभी लोगों को नमन करता हूँ बाबू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार 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 आर के आर के ब्रांड गेमर लव यू बेटा यह देखा भारत की सिप्र राजधानी का मतलब हुआ झींगा उत्पादन बाबू झींगा का नाम सुने होंगे झींगा झींगा मछली होती है झींगा मछली होती है है कीड़े तरह होता लोग खाते हैं चाप करके कौन है? कहेंगे निलूर है निलूर एक जिला है नल्पर क्या है एक जिला है कहा का जिला है कहेंगे एपी का, एपी का का मतलब होता है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का एक जिला है बेटा ये बात यहाँ ध्यान दीजिएगा नैल्यूर इसी को भारत की सिप्र राजधानी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि यहां पर झींगा का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है ये बात यहाँ गठिया लीजिएगा भाई साहब अपने में दिल में गुर्दा में पेपड़ा में सब जगह चला हेंग देखा अगला है भूटान की बात करता ही देखा भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए अच्छा यहां पर भी हमें देखना है नाच गाना शुरू होता नहीं ऐसे वैसे तो देखा जाए होली बीत गया है लेकिन अभी भी रंग खेल रहे हैं भैया रंग खेल रहे हैं चला यार देखा जा चला बहुत बढ़िया क्या बात है बहुत बढ़िया आंसर है मालती क्या नाम क्या बात है क्या बात है लोहा सिंह ईशा सिंह जानदार बेटा जानदार जानदार शानदार प्रदर्शन बहुत अच्छा गुड गुड बहुत बढ़िया <laughs> क्या कहेंगे क्या कहेंगे आप कहेंगे गुरुजी देखिए काओ काओ कौन काओ, बोलता है बाबू काओ काओ कौन बोलता है कौवा बिरयानी सुने हैं कौवा बिरयानी सुने नहीं सुने हैं काओ काओ टलन टन टररर आता है टन टन जब कौआ बोलता है कनवा में बहुत तेज लगता है कता मर मार, मर मर कौक मर मर कौक मर टन आ रहा है भूटान मतलब टर रटर करता है काला कौआ कौआ है कौआ याद रखिएगा कौआ देख रहा ना कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है बाबू कहाँ का है तो आप कहेंगे वही का है जहाँ कोई आता जाता नहीं है देखा दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा की बात करता है ये आपका दक्षिण भारत है ये दक्षिण भारत है ये भारत है, भारत है इस दक्षिण भारत की बात करता है दक्षिण भारत की सभी का, याद रखिएगा सबसे प्राचीन कौन सा तमिल और सबसे दक्षिण में राज्य कौन सा है कहेंगे ये तो सबसे दक्षिण में राज्य टीएन है टीएन का मतलब तमिलनाडु है तो इसका मतलब सबसे प्राचीन भी कौन होगा तमिल ही होगा ये बात यहां पर ध्यान दीजिएगा अगला सवाल देखिएगा आनंद वन की बात करता आनंद आनंद वन की बात करता है बाबू आनंद की बात करता है आनंद आनंद है ये भैया जितने लोग बाबा होते हैं बाबा का एकदम आनंदमय जीवन बीत रहा है इस समय याद रखिएगा जितने बाबा लोग हैं कुंडली लेकर के मार जो है चलना है भोकाल में यहां से वहां माला झो जो, माला झोंक दिए हैं एक कपड़ा डाल दिए हैं बस भैया हो गए बाबा हम है बाबा है बाबा और बाबा, बाबा को क्या मिलता है आन... आनंद मिलता है आपने वैसे अगर देखा जाए तो आपने उनको भी देखा होगा गौतम बुद्ध जी को गौतम बुद्ध जी भी एकदम जब सन्यासी को देखे थे तो देखने के बाद उनका मन शांत हो गया था है ना क्योंकि सन्यासी व्यक्ति बड़ा खुश होता है तो आनंद 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 किसको आता कहेंगे बाबा को आता है बाबा आमटे बाबा को आता और यह क्या है बेटा आनंद वन क्या है एक प्रकार का आश्रम है एक प्रकार का आश्रम है एक प्रकार का आश्रम है और ये जो आश्रम है ना बेटा क्या होता है ये आश्रम जो है यहाँ पर कुष्ठ कुष्ठ रोगी जो होते हैं जो कुष्ठ रोगी होते हैं वो लोग जाकर के यहाँ पर निवास करते हैं उनके लिए उनके लिए बनाया गया ठीक है ना आश्रम है आनंद भवन चलो आगे देखा जाए अगला है भारत के द्वारा अंटार्क्टिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है अनुसंधान केंद्र की बात करता है कहाँ की बात करता है अंटार्क्टिका की बात करता है आइए तब तक आप वहां पर बोलिए धान बोइए यहां पर देखिए इसे वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है वैज्ञानिकों के लिए क्या कहते हैं बाबू कहना समर्पित कहते हैं समर्पित महाद्वीप कहा जाता है समर्पित महाद्वीप कहा जाता पहला बात दूसरा बात देखिए दूसरा बात देखिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता तीसरा देखिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है इसे एक और देखिए इसे निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है तो ये सब कौन है ये सभी सभी वही है बाबू बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है शानदार झोंक दिया ये कौन है दक्षिणी गंगोत्री है ये देखिएगा ये कौन है कहेंगे यही है अंटार्क्टिका यही अंटार्क्टिका है बाबू यही अंटार्टिका देखिए ये कौन है आप

1983 भी में स्थापना हुआ 1989 भी में दो हजार बारह में स्थापना हुआ लेकिन वर्तमान में दक्षिणी गंगोत्री क्या होगा एसी का टिकट कट चुका है नौ दो ग्यारह हो चुका है मतलब पूरी तरीके से बर्फ के नीचे आकर के समा गया है समाप्त हो गया भैया थोड़ा एसी चालू करा एसी चालू करा बात समझ गए तो क्या हो गया दक्षिणी गंगोत्री हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल देखिएगा अगला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है यह तो आप तभी बता पाएंगे जब आपके दिमाग में मैप होगा अब मैप नहीं होगा तो फिर आओ सनम और जाओ सनम खाली वाह वाह पीसीएस भैया व्या बेटा वाह पीसीएस बाबू के लिए शानदार बेटा शानदार बहुत बढ़िया दिल जीत लिया मेघालय है मेघालय मेघालय राज्य की सीमा मेघालय राज्य की सीमा याद रखिएगा किसके साथ नहीं मिलती है भूटान के साथ नहीं मिलती है, है बल्कि सिक्किम का अरुणाचल प्रदेश का और पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल का सभी सीमा मिलता है देखिएगा ये भारत आपने देख लिया ये ये कौन है कहेंगे भारत है ये पूर्वोत्तर राज्य है पूर्वोत्तर राज्य है, ये देखिए ये भारत है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये देखिए ये भारत का इधर वाला पोर्सन पूर्वोत्तर राज्य है और यहाँ पर देखेंगे तो ये राज्य कौन सा है कहेंगे ये राज्य है ये राज्य देखिए ये राज्य कौन सा है आप कहेंगे वेस्ट बंगाल है वेस्ट बंगाल ये देश कौन है कहेंगे भूटान है भूटान अब देखिए भूटान से और कौन सीमा बना रहा भा केंगे हई क्या सिक्किम है एस मतलब सिक्किम है सिक्किम

किस नगर में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है किस नगर की बात करता है दो रेलवे जोन का मुख्यालय है दूध उठो दूध दूटो ये देखा दूध दू दू दूध उठो बताओ भैया दूध उठो कलकत्ता एक ऐसा जहाँ तीन ठो है, है? <laughs Yeshua> कलकत्ता एक कैसा जहाँ तीन ठो है <laughs> बहुत बढ़िया बेटा शानदार झोंक दिया लाजवाब झोंकला ये बाबू बहुत बढ़िया कलकत्ता देखिए कलकत्ता में कौन है कहेंगे पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है पूर्वी रेलवे का रेलवे का क्या है मुख्यालय पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है पहला दूसरा देखिएगा आप कहेंगे दक्षिण दक्षिण पूर्वी पूर्वी का पूर्वी का रेलवे मुख्यालय भी कहां है आप कहेंगे कलकत्ता में है एक और याद रखिएगा यहीं पर मेट्रो का मुख्यालय भी है कहां है मेट्रो का मुख्यालय भी आपका कहा मिलेगा यहीं पर हो गया कलकत्ता कितना हो गया तीन हो गया ध्यान दीजिएगा और रही बात बंबम बंबम बंबई तो बंबई में देखिए एक कौन सा है कहेंगे पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पश्चिमी रेलवे मुख्यालय कहां है तो आप कहेंगे मुंबई में एक और है सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय सेंट्रल का मतलब होता मध्य रेलवे का क्या मुख्यालय कहां है तो आप कहेंगे मुंबई में है बात समझ गए ना बहुत बढ़िया बेटा तो क्या हो गया आपका आंसर कहेंगे सी फार होता छुटका है पल, ठीक है ना लाजवाब शानदार जबरदस्त है यार देखा निम्न में से पॉपुलर चैंबर पॉपुलर चैंबर किसे कहा जाता है पॉपुलर चैंबर की बात करता है देखा भैया पॉपुलर चैंबर की बात करता है जनता का सदन कौन है बाबू जनता का सदन किसे कहा जाता है जनता का सदन जनता का सदन लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता लोकप्रिय लोकप्रिय सदन कहा जाता है किसे निम्न सदन किसे कहा जाता है निम्न सदन किसे कहा जाता है और और प्रथम सदन किसे कहा जाता प्रथम सदन किसे कहा जाता है तो एक ही आंसर देंगे और सभी लोगों ने दे दिया यहां पर बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है शानदार बेटा एकदम झोंक दिया कहेंगे लोकसभा है लोकसभा पॉपुलर चैंबर कहा जाता है नेक्स्ट सवाल देखिए सूरज की बात आ गया है। सूरज हो तुम चंदा हो तुम ये देखा बाबू ये बताइए जहां पर सूरज नहीं होगा क्या वहां हरियाली होगी क्या वहां हरियाली होगी जहां सूरज नहीं वहां हरियाली नहीं और सभी लोगों ने ठोक दिया है जबरदस्त तरीके से आंसर ये चार कहां हो गया है अतुल अतुलवा अतुल टमाटर टमाटर याद है टमाटर अतुल टमाटर याद है ना हाँ याद रखिएगा यार देखा यार तो क्या कहेंगे गुरु जी सूरज जहां होता है हरियाली वहीं होती है हरियाली वहीं होती है तो सूरज कुंड है कहेंगे यही है लेकिन अगर आपसे कुंड पूछ दे कहां पर रूप कुंड पूछ दे जरा यहां बताइए रूप कुंड कहां है देखा जाए किसमें है कितना दम जिसमें होगा दम वही होगा असली बाजीराव सिंघम जला जल्दी बताओ निहारिका गुड़िया बहुत बढ़िया बिटिया क्या बात है शानदार बेटा शानदार बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपका है यहां पर क्या है कहेंगे यूके मतलब उत्तराखंड उत्तराखंड में क्या पड़ता है आप कहेंगे रूपकंड सूरज कुंड झील कहाँ है तो आप कहेंगे वही है नेक्स्ट देखिए किस भारतीय राज्य में, गम अच्छा। ए में गमछा ये भैया गांव क्षेत्र में जाएंगे गमछा झाड़ के दिखेगा गमछा और एक एक से अच्छा अच्छा एक से अच्छा अच्छा एक से अच्छा अच्छा गमछा आदमी लोग क्या करता है पहन के घूमता है भैया गमछा ए भैया ये है गमछा ही देखा गमछा ही देखा यादवाज कर हरियाणा है मरदबा कहाँ हो हरियाणा कहाँ हो जाए टमाटर नहीं सर पनीर ठीक 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 यार देखा क्या है कहेंगे आसम यानी भैया गमछा आदमी जब पहनता है ना तो आसम लगता आसम हम भी बहकाल में कभी कभी क्लास में आ जाते हैं गमछा पहन करके अपना भौकाल मेंटेन करने के लिए देखा यह है गमच्छा गमच्छा है क्या है आसम है आसम ठीक है ना देखा फेस्टिवल जो है जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है पहला सवाल यही बन गया त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है आप कहेंगे इसी को कहा जाता है त्योहारों का त्यौहार त्योहारों का त्यौहार है।, है और सभी लोगों को मैं एक ट्रिक बता भी चुका हूं कहेंगे गुरु जी वही है नागालैंड है नागा जहां पर बाबा हाई देखा बड़का वाले बाबा है बड़का वाले बाबा है कोबरा है कोबरा नाथ है कोबरा आदमी काटता है आदमी उड़ता नहीं है सीधे उड़ जाता है ऊपर चला है देखा याद रखिएगा कहाँ है नागालैंड है देखा अगला भारत के किस राज्य में बत्तूकंबा ये भैया बत्तूकंबा उत्सव मनाया जाता है वही देखा आई देखा यहाँ पर यादव जी विनय कुमार संध्या बिटिया संध्या संध्या संध्या, संध्या। संध्या रूपेश यादव निहारिका सोल्यूशन यहां पर देखा जाए यहां पर देखा जाए वाह वाह क्या बात है गजब का आंसर दिया भैया आप लोगों ने हमें विश्वास नहीं था कि इसका आंसर आएगा आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है देखा भैया बतूकमा का मतलब हुआ बतू कमा बात कम बातु कमा बातु कम बातु कम बात कम बात कम नहीं तो गाना गाओ ये भैया बात कम करो गाना गाओ बात कम बातुकमा मतलब बात कम करो गाना ज्यादा गाओ गाना ज्यादा गाओ गाना ज्यादा गाओ बचपन ने लिखी कहानी मेरी कैसे बदलती जवानी मेरी याद रखिएगा ये गाना गाओ भैया बत्तू कमा मतलब बात कम करो गाना गाओ ज्यादा अगला देखा प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर गंगा सागर मेला की बात करता है भा गंगा सागर मेला की बात करता है गंगा सागर के किनारे हमारा बंगला हो घर पहुँचा द देवी मैया भैया हे यार देखा गंगा सागर के किनारे हमरा बंगला हो गंगा सागर के किनारे हमरा बंगला हो अ घर पहुँचा द देवी मैया बात समझ गये भैया बहुत बढ़िया भैया समझ गए आगे देखा खेल नृत्य तो थोड़ा थोड़ा ये भैया थोड़ा थोड़ा गर्मियां के समैया में जब घरवा पहुंचते हैं मान लीजिए जिनका शादी बिया हो गया है कहेंगे अपने महरारू से तनी पानी लेबू है एक गिलास और थोड़ी सा थोड़ा सा थोड़ा सा बर्फ बर्फ थोड़ा सा बर्फ मिला दी है बर्फ बर्फ मतलब का होता हो बर्फ का मतलब होता है ही, हीम हीम मिला दिया थोड़ा सा थोड़ा सा हीम मिला दिया ठंडा हो जाए ना तब पिए मजा आई पानी बात समझ गए बेटा बहुत बढ़िया है यार देखा स्वर्गीय राजा रवि वर्मा स्वर्गीय राजा रवि वर्मा की बात करता है किससे संबंधित है राजा की बात करता है राजा स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है जानदार बहुत बढ़िया है यार देखा डी ठोक दिया भैया डी ठोक दिया किससे है कहेंगे चित्रकारी से है चित्रकारी संबंधित है पेंटिंग संबंधित कौन है रवि बर्मा है बर्मा बारंबार बर्मा बारंबार चित्रकारी करने में एकदम शानदार है यार देखा बारली चित्रकला देखा ही देखा बारली की बात करता बारली बारली का मतलब क्या हुआ बेटा बारली का मतलब क्या होता देखा जाए किसका केरल अरे वाह यहां पर मतलब नाच गाना देखने को मिलेगा बहुत अच्छा लेकिन नहीं मिला नाच गाना नहीं मिला नाच गाना नहीं मिला बेटा क्या बात है सही एकदम शानदार आंसर है वारली 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 मुंबई वारली मुंबई का है ना वारली मुंबई बरली मुंबई बरली मुंबई महाराष्ट्र वारली 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 मुंबई वार वही करेगा जो महान होगा वार वही करेगा जो क्या होगा महान होगा महाराष्ट्र याद रखिएगा कहता है उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत उस योजना का नाम बताना है जिसके तहत भारत की भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन गैर सरकारी ट्रेन का मतलब हुआ क्या आप कहेंगे निजी ट्रेन क्या है कहेंगे निजी ट्रेन ये भैया सबसे पहला क्या रहा भारत भारत से बताइए की पहली निजी ट्रेन कौन है पहला अरे वाह क्या बात है अतुल बाबू लाजवाब बेटा आप कहेंगे गुरु जी भारत गौरव ट्रेन है भारत गौरव भारत गौरव योजना है इसी यही है आपकी पहली निजी ट्रेन कही जाती है ये बात यहां पर ध्यान दीजिएगा ठीक है ना बात आप समझ गए और कहां से कहां तक चली है कहां से कहां तक चली है कहां से कहां तक चली है बताइए एक बार कमेंट करिए वहां से कहां से कहां तक चली है कहां से कहां तक चली है जल्दी बताओ बेटा कहां से कहां तक चली है भाई ट्रेनवा हाँ। भारत गौरव योजना हाँ चला मुंबई और मुंबई से कहाँ मुंबई से कहाँ 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 नहीं नहीं गलत बात कर रहे हैं भैया गलत बात कर रहे हैं गलत बात कर रहे हैं आगे आगे आ गलत बात गलत बात चलिए भैया जल्दी बताइएगा कह रहा पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा का प्रो नहीं देखिएगा ये मुंबई से चला है कोयम्बटूर के बीच में मुंबई से कोयम्बटूर के बीच में चला है कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है आप कहेंगे आप कहेंगे कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में चला आगे देखा जाए अगला देखिए भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला पहला हवाई अड्डा कौन सा सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा आप कहेंगे गुरुजी कौन है कहेंगे कोचिन है, है। यानी पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है यही है ये बात आप समझ गए आगे देखिएगा अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन अंडर वाटर मेट्रो की बात करता है अभी मैंने बताया मेट्रो का मुख्यालय कहां है आप कहेंगे कलकत्ता में है कलकत्ता में कलकत्ता में है ना ठीक है तो कलकत्ता में तो याद रखिए वो भी तमाशा करने वाला आदमी कौन है कलकत्ता ही तो है अंडर वाटर पानी के अंदर पानी के अंदर की बात करता है याद रखिएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा पुरस्कार 2022 किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है अभिनेता की बात करता फिल्मों के सारे हीरो इसके आगे हैं जीरो फिल्मों के सारे हीरो इसके आगे हैं जीरो याद रखिए किसको मिला बेटा आप कहेंगे बिल स्मिथ को मिला है लेकिन याद रखिएगा द पावर ऑफ द डॉग द पावर ऑफ द डॉग द पावर ऑफ द द पावर ऑफ द डॉग ये क्या है ये फिल्म है फिल्म इस फिल्मों को क्या मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला हुआ भी बात यहाँ पर लपेट लीजिएगा दीपक बाबू चला यार देखा अगला सवाल माउंट किली मंजारो कह रहा डैश 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 कहाँ है डैश डैश का मतलब होता है दोस्त दोस्त ना रहा डैश 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 और पढ़ाने के सिवा कोई कारोबार ना रहा गुरुजी जोड़ा निकाला है अपने चला यार देखा भाव जला चला जल्दी बताओ जल्दी बढ़ते रहिए जल्दी बढ़ते रहिए प्रसाद लेते रहिए माता का प्रसाद लीजिए आगे बढ़ते रहे बहुत बढ़िया क्या बात है बेटा शानदार रूपेश जी बहुत अच्छा तंजानिया है तंजानिया में पड़ता है और तंजानिया कहाँ की राजधानी क्या है कहना डोडोमा है डोडोमा डोडो डोडोमा डोडो डोडोमा है डोडोमा है और किली एक प्रकार का क्या है आप कहेंगे ज्वालामुखी ये ज्वालामुखी पर्वत है ज्वालामुखी क्या है पर्वत है और पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है अफ्रीका की अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है सबसे ऊंची सबसे ऊंची चोटी कौन है बेटा तो आप कहेंगे यही है किली मंजारो है बात आप समझ गए लव यू विकास बाबू आपको भी अगला देखा, अगला देखा देखा कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है देखा भैया सबसे बड़े मंदिरों में से एक है बहुत बढ़िया निहारिया निहारिया बेटा बहुत बढ़िया ठोक दिया कैलाश मंदिर है कैलाश मंदिर है इसी एलोरा एलोरा की गुफाओं में स्थित है याद रखिएगा और इसका निर्माण किसने किया था बेटा निर्माण किसने किया था आप कहेंगे गुरु जी निर्माण करने वाला कौन है कहेंगे राष्ट्रकूट शासक एक है उसका नाम क्या है कृष्ण प्रथम है कृष्ण प्रथम है ये राष्ट्रकूट शासक है राष्ट्रकूट शासक इसी ने क्या किया है निर्माण किया है नेक्स्ट सवाल देखिएगा अगला है मनुष्यों में अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों में अनुपात क्या होता है देखेंगे कहेंगे होता है इंसीजर के बाद कैनाइन होता है कैनाइन के बाद प्री मोलर होता है इसके बाद मोलर दांत होता है मोलर दांत देखिएगा यानी जबड़ा का चार हिस्सा किया जाए तो एक हिस्सा में क्या होता है इंसीजर दूठ होता है कैनाइन कितना होता है एक ठो होता है

मधुबनी मधुबनी कला की बात करता कहेंगे गुरु जी एकदम आनम जाओनम बहुत बढ़िया राज मोटिवेशन बाबू स्वागत है आपका स्वागत है शानदार प्रदर्शन आप सभी दोस्तों का है मिथिला पड़ता है मिथिला मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है आप कहेंगे मिथिला में नेक्स्ट सवाल देखिएगा यहां बात करता पुस्तक फंग, फंगी एंड प्लांट डिसीजेज इधर देखा है एक सवाल है फंगी फंगी एंड प्लांट डिसीजेज के लेखक कौन है यहाँ पर देखा जाए किसका आंसर है आसिफ पठान साहब बहुत बढ़िया बेटा आसिफ पठान क्या बात है लाजवाब गलत आंसर का आ, आ, आंसर किया है बहुत बहुत बढ़िया आंसर किए हैं आप गलत किए हैं सही नहीं किए हैं आप जाइए कुमार वर्मा रूठ गए आपसे वाह सही आंसर नहीं किए हैं पठान साहब चला भैया क्या बात है बेटा क्या बात है लाजवाब बेटा लाजवाब शानदार पठान साहब का एक बार दिल से स्वागत है और जिसने लोगों ने किया है क्या कहेंगे डॉक्टर बीबी मुडुकर कहेंगे कैसे याद होगा देखा ऐसे याद होगा ये बाबू है क्या है फंगी फंगी का मतलब होता भंगी फंगी का मतलब होता भंगी एक बात ध्यान दीजिएगा दुनिया का सबसे खतरनाक रिश्ता कहा जाता है पति पत्नी का पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में सबसे खतरनाक रिश्ता जाना जाता है याद रखिएगा शादी ब्याह जब होगा पता चलेगा ठीक है अभी नहीं पता चलेगा बीबी क्या करती है बीबी हमेशा बना देती है भंगी भंगी बना देती है भंगी ठीक है ना बाल सब उड़ जाता है हमारा तो बना हुआ भी मेंटेन है हमारा तो मेंटेन अभी है लेकिन उड़ जाता है सब याद रखिएगा बीबी क्या बना देती है भंगी फंगी फंगी, फंगी, फंगी भीबी, भंगी फंगी बीबी फंगी बीबी फंगी ठीक है ना प्लान डिसीज के लेखक है याद रखिएगा अगला देखा निम्न में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है एकदम जहर सवाल है बाबू जहर सवाल है देखा जाए किसका आंसर है अनिल कुमार सर आप महान हो आप बहुत बढ़िया अनिल कुमार भाई आई यू बेटा आपको भी बाय बाय अतुल भा जा 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 जा, जा, जा वहां पैर फैला के चरपाई सुत किया हुआ जा जा और काम नहीं करा चला यार यार देखा प्राकलन समिति बहुत बढ़िया बेटा प्राकलन समिति देखिएगा प्राकलन समिति में देखा जाए तो केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं कितने होते हैं कहेंगे तीस सदस्य होते हैं और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है कार्यकाल आप कहेंगे रगड़ के एक साल होता है क्या होता है रगड़ के यानी रगड़ के एक साल याद रखना जरूरी है केवल एक साल नहीं रगड़ के एक साल वहीं पर अगर देखा जाए लोक लेखा समिति में तो इसमें कितने होते हैं कहेंगे बाईस सदस्य होते हैं बाईस सदस्य होते हैं बाईस इन बाईस में देखिएगा पंद्रह जो आदमी होता, होता है लोकसभा से होता है लोकसभा से और बचा कितना कहेंगे सात बचा सात क्योंकि पंद्रह सात बाईस होता है कहां से है तो कहेंगे राज्यसभा से है राज्यसभा से याद रखिए इनके सदस्यों का भी कार्यकाल कितना होता है एक मतलब एक बात समझ गए इसी लोक लेखा समिति को इसका जुड़वा दीदी कहा जाता है ये दीदी मेरी प्यारी बहनिया है देखा कहा जाता भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदनों के वेतन का निर्णय कौन करता है संसद के सदनों का वेतन का निर्णय कौन करेगा बाबू आपने सुना होगा जीवन में एक आर्टिकल नंबर 106 आर्टिकल 106 याद रखिएगा आर्टिकल 106 की बात करता 106 एक सौ है एक सौ छह रुपया है एक सौ छह रुपया एक सौ 106, रुपया, है, 106, रुपया, याद 106 रुपया।, रुपया में जब बात आए जब भी वेतन माल की बात आए तो कहना एक सौ छह रुपया हमारे पास है और वो डिसाइड कौन करेगा संसद करेगा आर्टिकल नंबर एक सौ छह इसी से संबंधित है बहुत बढ़िया बेटा याद रखिएगा संसद में जितने भी सदन है लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सदस्यों का वेतन का जो निर्णय निड़, कर, करने की शक्ति किसके पास होती है कहेंगे संसद के पास होती है आधुनिक अवर साड़ी में धातु उप धातु और साथ में अधातु देखिए यानी मटेरियल की बात कर दिया मटेरियल की बात कर दिया मटेरियल में मेटल भी होता है नॉन मेटल भी होता है और आपका मेटलॉइड भी होता है यहां पर देखा डी ब्लॉक कर रहे हैं डी ब्लॉक कर रहे हैं देखा गच्चा खा गया बच्चा गच्चा खा गया बच्चा है यार देखा बहुत बढ़िया बेटा आप कहेंगे पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं पी ब्लॉक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व होते हैं पी ब्लॉक का तत्व तो होता है पी एस पी डी एफ होता है ना देखा एक एस होता है एस पी डी और क्या होता है एफ होता है एस पी डी एफ होता है याद रखिएगा ना बात समझ गया ना बाबू बात समझ गया इसमें कहाँ से होता है कहेंगे तेरह से लेकर के अठारह तेरह से अठारह वर्ग के तत्व होते हैं यानी कहने का मतलब वर्ग तेरह से लेकर के वर्ग से लेकर के के क्या होते हैं तत्व इसमें शामिल होते हैं, से के जो वर्ग हैं इनके जो तत्व होते हैं वही शामिल होते हैं बाबू किसमें हो आप कहेंगे पी ब्लॉक में इसी पी ब्लॉक में आता धातु आता है उपधातु का मतलब अर्धचालक हो गया और अधातु का मतलब नॉन मेटल हो गया चला देखा अगला सवाल अगला है समानता प्रयुक्त होने वाले निम्न में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन मिश्र धातु नहीं है मिश्र मिश्र धातु धातु का का मतलब होता है, का मतलब होता होता है है जोड़ीदार मिश्र धातु का मतलब क्या होता है जोड़ीदार जोड़ीदार होता है जोड़ीदार ये देखा आसिफ तांबा आसिफ पठान साहब बहुत बढ़िया पठान बाबू बहुत बढ़िया काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है बहुत अच्छा <laughs> क्या क्या डायलॉग है बाबू क्या डायलॉग है क्या हुआ था देवसेना चला बहुत बढ़िया शानदार बेटा शानदार एकदम झोंक दिया कापर का मतलब होता है तांबा और तांबा मतलब केवल तांबा तांबा मतलब खाली तांबा उसमें और कुछ नहीं होता है इस पात का मतलब होता है स्टील इस और इसमें क्या होता है फेरस और कार्बन का एलॉय होता है कांसा जो होता है ब्रोंज होता है ब्रोंज ये क्या होता है कहेंगे कॉपर और टीना का एलॉय होता है और ये पीतल है पीतल का मतलब ब्रास हुआ ये क्या होता है कॉपर और जिंक का एलॉय होता है कॉपर जिंक का एलॉय होता है रगड़ दीजिएगा यहीं पर इसको उठने ना दीजिएगा नहीं तो उठ जाएगा तो वहां चजाक बैठ जाएगा आपके ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध है सत्रह में लड़ा गया था सत्रह की बात करेंगे कहेंगे गुरु जी का बात, करते है? में बात ध्यान दीजिएगा पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 सो ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच इब्राहिम को कोटक पटक के मारा था दौड़ा दौड़ा के और पानीपत का जो दुसर का युद्ध हुआ था पंद्रह में हुआ था अंग किसके बीच आकबर और हेमू के बीच हुआ था अकबर का जो नेतृत्व करने वाला था बैरम खा दौड़ा दौड़ा के दौड़ा दौड़ा के पीटा था इनको प्लासी का युद्ध जो हुआ था कहेंगे सत्रह में हुआ था यही लगे हाथ याद रखेगा पानीपत का तीसरा युद्ध पानीपत का कौन सा आप कहेंगे तीसरा युद्ध कब हुआ था कहेंगे सत्रह में किसके किसके बीच कहेंगे मराठा और मराठा और ए बाई मराठा और अफगानों के बीच मराठा यहां पर नौ ग्यारह हो गए थे भाग गए थे ठीक है ना हार गए थे सदाशिवराव भाऊ भाग गए थे हार गए थे चला यार देखा बक्सर युद्ध अगला देखिएगा किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था अर्थात ताज ग्रहण का मतलब इनका राज्यभिषेक किया गया था भारत में कहेंगे वाह 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 वा, क्या जोड़ी है बनाई गुरुजी देखा हाई है, है अपने मेहराू के साथ आए थे बाबू हैं अंग्रेज में जो होते थे ना वो अपने महराड़ू के साथ जाते थे अकेले नहीं जाते थे हिम्मत नहीं होता था डरते थे लोग तो ये आए अब इनकी मेहराू थी कौन कहेंगे क्वीन मैरी थी क्वीन मैरी इनकी वाइफ थी इन्हीं के साथ आए थे कब आए थे कहेंगे 1911 में आए कहां पर दिल्ली में आए कहां पर आए दिल्ली में आए और इस समय जो वायस राय हुआ करता था वायस राय जो था वायस राय वो कौन था कहेंगे लॉर्ड हार्डिंग था लॉर्ड हार्डिंग था लॉर्ड हार्डिंग था, था बाबू लॉर्ड हार्डिंग था और इसी और इसी के शासनकाल में यही जार्ज पंचम दिल्ली में घोषणा कर दिए बाबू घोषणा किए क्या अनाउंसमेंट किए कहे अब जो भारत की राजधानी होगी ना कहाँ से कहाँ होगी अब कलकत्ता से दिल्ली होगी कहां से होगी कलकत्ता से कहाँ हो जाएगी कलकत्ता से कहाँ दिल्ली होगी दिल्ली और दिल्ली होगी लेकिन घोषणा तो कर दिए दिल्ली कब हुआ कहेंगे अगले साल होगा अब कब होगा अगले साल होगा ना तो अगले साल हो गया दिल्ली 1911 में ग्यारह में ताज ग्रहण किए और घोषणा हो गया 1911 में ही लेकिन राजधानी कब बनी बनी कब बनी कब तो आप कहेंगे 1912 में यानी अगले साल अगले साल यही 1912 जिसमें बारह सभा तत, तत्व बोधनी तत्वबोधनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था और इसी तत्व पत्रिका में जनगण मन का प्रकाशन किया गया था चला देखा अगला भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई भैया जवन 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 जो है जवन जौन रियासत नहीं मान रहा था उनको लौह लो पुरुष थे लोहे जैसी साहस शक्ति भरी थी कचर कचर के करवाए थे याद रखिएगा बहुत बढ़िया बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल लेकिन तीन राज्य याद रखिएगा देखा देखा दोस्त देखा देखा तीन ठो राज्य याद रखिएगा तीन राज्य याद रखिएगा एक कौन सा कहेंगे हैदराबाद एक कौन सा हैदराबाद एक हैदराबाद नाम याद रखना हैदराबाद इसको कैसे हुआ था कहेंगे ऑपरेशन पोलो ऑपरेशन पोलो हुआ था ऑपरेशन पोलो ऑपरेशन पोलो का मतलब होता है सैनिक कार्रवाई इसका मतलब क्या हुआ सैनिक कार्रवाई तो सैनिक कार्रवाई के द्वारा क्या हुआ था सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसको शामिल किया गया था भारत में और दूसरा देखिएगा कौन सा कहेंगे जूनागढ़ है जूनागढ़ जूनागढ़ को शामिल हुआ था जनमत संग्रह जनमत संग्रह के द्वारा जनमत संग्रह के द्वारा और तीसरा याद

किसको कहा जाता है राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है चला बताओ सिंगर सिंगर विक्की सिंगर बिक्की बाबू सिंगर बिक्की बाबू चला जल्दी बताओ बेटा जल्दी बताओ शानदार <स्थाँगा> बेटा शानदार प्रदर्शन बहुत बढ़िया कुछ लोगों को कंफ्यूजन है यहां पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बना हुआ इधर देखिए भारत का राष्ट्रीय स्मारक की बात करता है देखा ये क्या है गेटवे ऑफ इंडिया है अच्छा आपने सुना होगा एक सुना होगा गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया सुना होगा गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है मुंबई को कहा जाता है किसको कहा जाता है अगर आपसे सवाल पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है आप कहेंगे मुंबई को कहते हैं अब देखा गेटवे ऑफ इंडिया जब भी नाम आ जाए क्या कहेंगे मुंबई में कहां पर है मुंबई में है यह बात ध्यान दीजिएगा अब याद हो गया भूलेगा नहीं यह इंडिया गेट है इंडिया गेट पड़ता 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 कहेंगे नई नई तो नई दिल्ली 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 में 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 है तो और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था द्वितीय जो वर्ल्ड वार हुआ था वर्ल्ड वार जो हुआ था कब हुआ था आप कहेंगे उन्नीस उनतालीस से 1945 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसी विश्व युद्ध में अरे प्रथम विश्व युद्ध याद रखिएगा गड़बड़ हो गया 1914 से लेकर के 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध चला था इसी विश्व युद्ध में जितने भी लोग यहाँ पर क्या हुए थे शहीद हुए थे उन्हीं शहीदों के सम्मान में यहाँ पर क्या बना है यह स्मारक है बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इंडिया गेट कहां पड़ता है नई दिल्ली में अगला नई दिल्ली में निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है पूर्वी की बात करता है पूर्वी तट की बात करता है जल्दी बताओ बेटा जल्दी बिना बिना विनय से यादवाज संध्या विश्वकर्मा जल्दी से ठोकी एकदम आंसर दबा करके आंसर है। एक बार लाइक का बटन भी ठोक दीजिएगा अगर आपको प्यार मोहब्बत में अच्छा लग रहा तो नहीं लग रहा तो डिसलाइक अवश्य ठोकीेगा लेकिन ठोकिएगा जरूर बाबू चला ठोके रहा ठोके रहा एकदम बहुत बढ़िया कामराज बेटा क्या बात है निहार का गुड़िया लाजवाब कामराज कहाँ पड़ता कहेंगे ये पड़ता चेन्नई में ये पड़ता है चेन्नई में या चेन्नई कहाँ पड़ता है टीएन का मतलब तमिलनाडु में चेन्नई कहाँ पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है नावा सेवा कहाँ पड़ता है कहेंगे मुंबई में पड़ता है मुंबई में और नावा सेवा को क्या कहा जाता है इसे कंटेनर कंटेनर पोर्ट कहा जाता है कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है कोच्ची बंदरगाह की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है मसाला बंदरगाह कहा जाता है मसाला पोर्ट कहा जाता है कहाँ है आप कहेंगे गुरु जी ये तो केरल में पड़ता है केरल में मार्मू गाँव कहाँ है तो कहेंगे वहीं जहाँ गुरु जी आप कहते हैं शादी ब्याह होने के बाद तो यहीं जाना है ना यहीं जाना है बात समझ गए ना भाऊ बात समझ गए यही है कंटेनर है। नावा सेवा को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है और इसका डेवलपमेंट मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया था इस बात को आप नोटिया लीजिएगा कॉपी में कहां से बिहार से हो क्या हाँ के कश्यप बाबू हाँ बाबा की नगरी से हूं गोरखपुर घर हमारा है। देखिए है। राइडर की बात करता है, राइडर कप राइडर कप किस खेल से के साथ जुड़ा हुआ राइडर 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 राइटर राइटर राइडर क्या बात है निहार क्या गुड़िया मार दिया बहुत अच्छा बेटा किसे है गोल्फ से है? आगे देखा का दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी है सुअर से फैलती है सुअर 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 से कौन सा बीमारी फैलता है बाउ फैलता बहुत बढ़िया मुन्ना भैया प्रिया सिंह गुड़िया लाजवाब बेटा शानदार प्रदर्शन कहेंगे स्वाइन फ्लू होता है प्लेग किससे होता कहेंगे चूहा से होता चूहा से निपाह किससे होता कहेंगे वही है चमगादड़ है चमगादड़ गादड़ गादड़ चमगादड़ है जीहा कौन है कहेंगे एडीज मच्छर है एडीज मच्छर एजी एडीज मच्छर है. ये वाहक होता है जीहा वायरस का याद रखिएगा जीहा एक वायरस है वायरस से लपेट लीजिएगा बाउ चटमगनी पट ब्या पट गौना है यार देखा हर रेली की बात करता हर रैली हर रैली हर रैली हर रैली हर रैली की बात कर रहा है बेटा हरेली देखा जाए किसका आंसर है नीतू कुमारी कह रही हैं डी अच्छा कैसे मानना डी है निहारिका भी कह रही हैं डी गलत बात है गलत बात है गलत बात है गलत बात है निहारिका वाह 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 वा, निहारिका वाह हाँ एकदम सही आंसर बेट, एकदम हारेली, हारेली कहां, 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 है बेटा एकदम लाजवाब है कहेंगे हरेली देखिए हरेली कहां का है छत्तीसगढ़ का है कहां कहा, का है छत्तीसगढ़ का है छत्तीसगढ़ का कहेंगे गुरु जी कैसे याद रखेंगे लंबे समय तक ये देखा छत्तीस का मतलब होता है छत्तीस यही होता ना छत्तीस छत्तीस ऐसे तो लिखाता है अंग्रेजी में छत्तीस अब देखा छत्तीस क्या है हरेली रैली मतलब रैली हे बाबू रैली अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा कितने लोग अकेले निकालेंगे कहा रैली कितने लोग के साथ निकालेंगे छत्तीस लोगों के साथ रैली निकालेंगे याद रखिएगा नेक्स्ट सवाल है द पुस्तक द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स की बात करता है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स की बात करता है ड्रीम्स ड्रीम्स ड्रीम 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 लेट यू स्लीप ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों हवा पानी नहीं लगा होगा पंखा तेज कर लीजिए तब लगेगा <laughs> यार देखा नाच गाना शुरू हो गया देखा बाबू जब भी ड्रीम्स नाम आए ना ड्रीम्स तो ड्रीम्स का मतलब अच्छा भैया अभी अभी न्यूज मिला है बड़ा अच्छा लगा है एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया है कुमार वर्मा का एंड पूरे एमडी परिवार का कहेंगे किस बात के लिए तो बाबू हम बता दें जो यूपी संगम बाई एम क्लासेस है वह एक लाख सब्सक्राइबर कर लिया है कंप्लीट कर लिया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान आप सभी लोगों का है तो एम परिवार बहुत धन्यवाद बोलना चाहता है आप सभी लोगों को कि इतना स्नेह प्यार सम्मान आपने दिया है इसके लिए बहुत बहुत आभारी हम भी हैं बहुत बहुत आभारी एम क्लासेस भी है है ना पार्टी तो अब बनती है बिल्कुल पार्टी बनती है एक बार आप लोग मुलाकात करेंगे जबरदस्त तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइज होगा है ना आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद चलिए इधर देखिए यहाँ पर द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स की बात करता है देखा बाबू देखा ऐसा है ना कल कल मैं आ, आ, पहले ही बता देता हूँ आपको पहले बताता हूँ कल जो हमारा टॉपिक रहेगा कल मैं जितना भी किताब है कितना कि, किताब जो जो महत्वपूर्ण किताब है आपके पेपर के लिए एम टी के लिए वो किताब मैं लेके आऊँगा पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको वही मतलब दिमाग वाला सेट करने वाला बताऊँगा दिमाग सेट करने वाला मतलब तुरंत ऑप्शन देखते ही पकड़ना है ना क्योंकि किताब इतना ज़्यादा पकड़ा जाएंगे पढ़ते पढ़ते तो किताब को किताब का आंसर सही देने के लिए आपको ट्रिक बताऊंगा कल बताऊंगा यहां देखिए द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स की बात करता देखा ड्रीम्स यानी महात्मा गांधी जीवन भर लड़ते रहे बाबू एकलौते आदमी यही थे गांधी जी जिनका एक ही सपना था इंडिया को क्या कराना है आजाद कराना है आजाद आजाद कराना है आजाद तो ड्रीम्स किसका किसका था बाबू ड्रीम्स 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 है माय माय कहेंगे गुरु जी, ये तो महात्मा गांधी का है गांधी जी हमेशा जीवन भर पकड़ाए रहते थे हमारा देश क्या हो आजाद हो अहिंसा के पथ पर चलेंगे और हम क्या करेंगे आजादी देंगे भारतीय खाद्य निगम एफ की बात करता है एफ की स्थापना कब होता है कहेंगे गुरु जी चौदह जनवरी रगड़ दीजिए उन्नीस सौ को क्या होता है इसका इसका होता है क्या स्थापना होता है स्थापना होता इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता आप कहेंगे नई दिल्ली में पड़ता है वही है दिल है दिल वालों का ये बात यहां पर ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया बेटा शानदार है यार देखा परदेसी परदेसी तू जाना नहीं तू जाना नहीं मुझे छोड़ के हा मुझे छोड़ के <laughs> भैया यार देखा यार देखा बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है गुड गुड एकदम गुड बेटर है एक्सेलेंट कह रहा वह दर कौन सी है जिस पर वाणिज्य बैंक निधियों को कमी लाने मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है आरबीआई से उधार लेती कलिया में बताया था ये कल मैं ये बताया था दो चीज में बताया था बेटा देखिएगा एक आपका कौन है आरबीआई है आरबीआई बी ये कौन है कौन है आप कहेंगे वाणिज्यिक बैंक है वाणिज्यिक क्या है वाणिज्यिक बैंक है वाणिज्यिक बैंक वाणिज्यिक बैंक जब वाणिज्यिक बैंक से क्या करेगी यहां पर जब वाणिज्यिक बैंक से क्या करेगी आरबीआई क्या करेगी ऋण देगी यानी जिस रेट पर देगी यहां पर याद रखिएगा जिस रेट पर जिस रेट पर देगी वही रेट क्या कहा जाएगा कहेंगे वही आरआर कहा जाएगा यानी जिस रेट पर आरबीआई उधार देती है वाणिज्यिक बैंक को वो आरआर कहा जाएगा लेकिन जिस रेट पर क्या होगी जिस रेट पर लेगी जिस रेट पर लेगी उसे क्या कहा जाएगा ट्रिपल आर कहा जाएगा रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा वर्तमान में आरआर कितना है वर्तमान में आरआर कितना है आरआर आप कहेंगे आरआर कितना है आरआर बताइएगा आरआर कितना है बेटा कल बताए थे जल्दी बताइएगा आर 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 देखिए ट्रिपल आर भी मैं बताया था ट्रिपल आर वर्तमान में कितना है छह दसमलो छह दसमलो छह दसमलो छह दसमलव छह पांच छह छह दसमलो पांच परसेंट है, थीन थीन है।, है, है? बात यहां पर ध्यान दीजिएगा चला आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा क्या हो गया रेपो कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेती है ठीक है ना याद रखिए किस पर लेगी तो कहेंगे रेपो रेट पर लेगी, रेपो रेट रेट पर 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 लेगी लेगी बात समझ गए ठीक है ना वह दर जिस वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक उधार लेती है दा. क्या हो जाएगा ये रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा जिस पर लेने की बात करता है ना लेने की बात करता देने की बात थोड़ी कर रहा देता तब तो ना होता आगे देखा अगला देखा अगला देखा अगला हमारी सौर ऊर्जा कह रहा हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़का टाइटन की बात करता टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है कहेंगे आपसे बात, बात आप पूछे कौन है तो आप कहेंगे गैनी मिड है।, है, 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 है आप कहेंगे बृहस्पति का है यह बृहस्पति ग्रह का है ये बात ध्यान दीजिएगा बृहस्पति ग्रह का है कौन सा है तो यहां पर आंसर क्या हो गया आपका सनि हो गया नेक्स्ट सवाल देखिएगा निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है महाराष्ट्र की बात करता महाराष्ट्र की बात करता ही ही देखा यह देखा, यार देखा देख, देख जाता जाता मैं। क्या करने है जिम ले जिम ले जिम ले जिम ले जिम ले जिम है बाउ ले जिम है महान बनने के लिए भैया भौकाली आदमी बनने के लिए ले धनाधन ले धनाधन जिम ले धनाधन जिम तभी तो बॉडी उडी बनेगा नहीं तो कहां बनेगा यार देखा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता कहेंगे क्या बात कर दिए गुरु जी दक्षिण भारत की बात करता है अगर उत्तर भारत की बात करता अगर उत्तर भारत की पूछता क्या कहते आप कहते कानपुर है कानपुर अगर आपसे ये कहता पूरे भारत का कहता अगर आपसे पूरे भारत का मैनचेस्टर कहता क्या कहते आप कहते गुरु जी अहमदाबाद है अहमदाबाद है यह भी बात ध्यान दीजिएगा कौन हो गया आप कौन हो गया कौन हो गया भैया जल्दी बता जल्दी कमान 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 हरिया गैज हरिया देखा देखा वाह वाह कोयम्बटू याद रखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर कहाँ पड़ता कहेंगे टीएन मतलब तमिलनाडु में पड़ता बहुत लोग गच्चा भी खा गए इस सवाल में भी है मर्दवा ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा वाह है गड़बड़ा जाएगा गड़बड़ जाएगा बहुत बढ़िया एम उमा उमा राजपूत बाबू धन्यवाद धन्यवाद आई लव यू बेटा आपको भी देखा निम्न में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता देखिएगा एक कौन सी गरीबी होती है बेटा गरीबी होती है सापेक्ष गरीबी कौन सी होती है आप कहेंगे गुरु जी सापेक्ष गरीबी होती है सापेक्ष गरीबी सापेक्ष गरीबी में दो व्यक्तियों के आय का अंतर देखा जाता है जैसे आदमी ए है बी है ये डेली एक हजार कमा रहा है और ये डेली सात सौ कमा रहा है अंतर कितना है आप कहेंगे तीन सौ रुपए का मान लीजिए ये ये कितना कमाया एक हजार कमाया ये डेली का मारा छह सौ का मारा है अंतर कितना आया चार सौ आया इस प्रकार से देखा जाए तो आय का अंतर देखिए यहाँ तीन सौ या चार सौ यानी ये ये व्यक्ति इससे कम गरीब है ये ज्यादा गरीब है इससे ये बात ध्यान दीजिएगा अर्थात आय के अंतर को बताता है ये बात ध्यान दीजिएगा जैसे वर्तमान में मैं नौकरी कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब मैं कुछ माल पानी पीट रहा हूँ है कि नहीं माल पानी पीट रहा हूँ नहीं पीट रहा हूँ बिल्कुल पीट रहा हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हो हमारे आपका आय का अंतर देखा जाए तो क्या है जीरो बटा सन्नाटा है मतलब आप लोग हमारी तुलना में गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं गरीब हैं <laughs> मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ बाबू ठीक है ना यही है सापेक्ष गरीबी सापेक्ष गरीबी में व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान सब कुछ पूरा कर लेता है लेकिन जो निरपेक्ष गरीबी होती है उसमें नहीं कर पाता है तो यह क्या बताता आय का वितरण बताता है जैसे हमने कहा पूरे देश का पूरे देश का मान लीजिए हंड्रेड परसेंट क्या है बेटा कहेंगे पैसा है इस देश में हंड्रेड परसेंट पैसा है किसी देश में और इसमें इस इसमें अगर देखा जाए तो नब्बे परसेंट जो पैसा है नब्बे परसेंट पैसा कितने लोगों के पास है हमने कहा दस परसेंट लोगों के पास है नब्बे परसेंट देश का पैसा कितने लोगों के पास मात्र लोगों के पास खचा खच भरा पड़ा है तकिया में, में, गद्दा में, रजाई में, में, नब्बे में, थूस लोग, लोग, लोग ऐसे हैं जिनके पास खाली 10 देश का पैसा है याद रखिएगा सर थोड़ा हमें भी दे दीजिए आपकी तनख्वाह में बिल्कुल मिलेगा बाबू तो दस परसेंट पैसा खाली नब्बे परसेंट लोग बताइए इसीलिए हमारे अकाउंट में आपके अकाउंट में कभी सौ रुपया कभी पचास रुपया कभी जीरो बटा सन्नाटा होता है कभी पाँच हज़ार होता है यही सब होता है ना यही सब हम लोग हम लोग मिडिल वाले हैं तो ये हैं इसमें हैं हम यही है आय का वितरण सापेक्ष गरीबी से संबंधित लॉरेंज वक्र है और साथ में याद रखिएगा एक कौन है कहेंगे गिनी गुणांक है तो गिनी गुणांक भी किससे संबंधित है सापेक्ष गरीबी से तो गिनी गुणांक भी सापेक्ष गरीबी से लॉरेंज वक्र भी इसी से अगला देखिएगा अगला है इंडिया इज हॉस्टिंग विच एनुअल समीट आप जी ट्वेंटी इधर देखा इधर देखा सर मैं तो इतना गरीब हूं कि मेरे पास पांच आईफोन है बहुत बढ़िया तब भी आप गरीब है कोई बात नहीं लेकिन अनिल अंबानी सुनना कर दे जीरो सन्नाटा हो जाएंगे आप पांच आईफोन रखे चाहे कुछ भी रखे हो बाबू चला है देखा बहुत बढ़िया झूम बाबू झूम हेर देख भारत की बात करता है जी के कौन से वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है देखा जाए किसका अरे भैया क्या बात है अरे बाबू यादव बहुत बढ़िया वाह यादव पूजा ठाकुर जय बाबू एकदम दिल जीत लिया भैया वाकई मजा आ गया बहुत बढ़िया याद रखिएगा अठारहवा जी ट्वेंटी का मेजबानी कौन करेगा भारत करेगा और ये होगा कब तो कहेंगे सितंबर 2023 में सितंबर सितंबर 2023 में यह होने वाला है भारत में होने वाला है बात यहां पर ध्यान दीजिएगा अगला सवाल देखिएगा कहता है आर्कटिक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है आर्कटिक एम लॉन्च की बात करता है बहुत बढ़िया सर क्या आइए सर आइए आइए जल्दी, जल्दी 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 आंसर झोकी जल्दी से लीजिए भैया आपके बीच में आ चुके हैं सर तो आ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस पे और फाइनली आज एसएससी एस सी एम टी स्थल ले रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि आज जो है एमडी क्लासेस का परिवार जो है वो पंद्रह लाख बच्चों का परिवार बन चुका है और साथ ही साथ जो हमारा एक दूसरा चैनल है जो यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए हम इस पर काम कर रहे होते हैं उसका नाम है यूपी संगम एमडी क्लासेस मैक्सिमम बच्चा उस पर जुड़ा हुआ है जिसमें अभी सबसे बड़ी परीक्षा जो वीडियो एग्जाम वाली है उस पर हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आप मेहनत भी लगातार देख लो है उस परिवार पर भी बहुत ही कम दिनों में पहला माइल वो कंप्लीट हो चुका है यानी वो परिवार अब कुल मिला के एक लाख बच्चों का परिवार बन चुका है इसमें आप सभी ने बहुत सहयोग दिया है और वाकई में इस सपोर्ट के लिए जितनी टीम मेहनत करती है सभी लोग जितना मेहनत करते हैं वो काबिले तारीफ है आप सभी बच्चे जिस प्रकार से मेहनत करते रहते हो लगातार इस चीज को आगे लेकर चलते रहते हैं तो पंद्रह लाख का परिवार यह हो चुका है जिम्मेदारियां उसी तरीके से आगे बढ़ रही है कोशिश यही करेंगे कि एमडी क्लासेस में जो आगामी परीक्षा है चाहे वो दिल्ली पुलिस की है चाहे वो आपके पास हो सकती है बिहार पुलिस की परीक्षा एस एस की परीक्षा हर परीक्षा में जिस प्रकार से मेहनत हो रही है वो सारी मेहनत लगातार ऐसे चलते रहे और इसी तरीके से और भी ज्यादा मेहनत करके जो नया हम लोग काम स्टार्ट कर रहे होंगे किताबों के लिए वो भी आपके पास जरूर से जरूर देखने को मिलेगा तो पूरे एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी इस तरीके से लगातार प्यार और विश्वास बनाए रखते हैं तो भैया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रकार से हमारे इस पंद्रह लाख परिवार का सदस्य बनने के लिए वन पॉइंट फाइव मिलियन सदस्य में आप सभी का योगदान बहुत बड़ा है आपके बिना ये अधूरा ही था संभव नहीं था दोस्तों और जिस तरह से आप लगातार प्यार देते हैं समर्थन बनाए रखते हैं वादा रहा कि हम भी आपके साथ बिल्कुल डटकर खड़े रहेंगे और जैसे आपने हमारे सपनों को पूरा करने में योगदान दिया है वैसे ही हम भी आपके सपनों को पूरा करने में पूरा योगदान देंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अगेन ये मिठाई आपके लिए भी है और जी हाँ सर और मैं तो मिठाई खाने का शौकीन हूँ जितना लास्ट में सब मैं बच्चों को सर मीठा खिलाया जा चुका था एक बार दोबारा से बच्चों सभी बच्चों के लिए क्योंकि तो आप सभी ने आप सभी पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू किया इस परिवार का हिस्सा बनते शुरू हुए हैं तो आप सभी के लिए एक मिठाई जरूर है ये एंजॉय करिए अगर ये डिजिटली ना होता तो शायद आप तक ये पहुंच भी पाता लेकिन ये डिजिटली है तो कहीं नुकसान और कहीं जो है फायदे आपको जरूर देखने को मिलेंगे तो अब वर्मा पूरी क्लास जो है वो कंप्लीट चल रही है MTS के दो तीन चार पांच तारीख में आए हुए सभी क्वेश्चन आप देख रहे के साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े भी है इसी तरीके से विश्वास बनाए रखिए और अपना प्यार बनाए रखिए धन्यवाद तो चलिए भाई बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना प्यार सम्मान दिया इस प्यार सम्मान के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ ऐसे ही प्यार सम्मान बनाए रखिए और जीवन में आगे बढ़िए भगवान से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सभी लोगों का जल्द से जल्द कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए ताकि आप अपने माता पिता के सपने को पूरा कर पाएं चलिए थैंक यू चलो बाबू देखा आगे देखा देखा बाबू कहता है सवाल कहता है आर्कटिक की जलवायु की निगरानी करने के लिए कहा की हो आर्कटिक आर्कटिक महासागर है ना आर्कटिक की जलवायु आर्कटिक 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 की की बात करता है? की बात करता करता है है महासागर जलवायु की निगरानी करने के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक लॉन्च किया है कौन सा हो गया रूस ने बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है एकदम सही आंसर है मतलब हम मान गए आप सभी लोगों का भैया आपका करंट एकदम तैयार है झूम के तैयार है झूम बराबर झूम दिया यार देखा नेक्स्ट सवाल है भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रस्तावित यूक्रेन से यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था ये भैया जब भारत के लोग रहेंगे फंसे यूक्रेन में तो एक ही तो गाना गाएंगे गंगा किनारे मोरा गांव हो घर पहुंचा द देवी मैया यूक्रेन वाले भैया से देखा फंसे हुए भारतीय वो सब भारती कह रहे हैं तो क्या कहेंगे कहेंगे गुरु जी ऑपरेशन गंगा है ऑपरेशन गंगा का नाम यहां पर याद रखिएगा लगभग बीस हजार बीस हजार भारतीय वहां पर फंसे हुए थे नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है ये देखा भैया सबसे पहला की बात करता है वो भी कृत्रिम भ्रूण की बात करता है देखा चूहा स्टेम सेल से बना है चूहा स्टेम सेल चूहा स्टेम सेल से यह निर्मित किया गया है चूहा के स्टेम सेल से चूहा के स्टेम सेल से निर्मित किया गया है किसने किया है वाह वाह क्या बात है बिट्टू नॉलेज साहब गच्चा खा बच्चा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो क्या हो जाएगा कहेंगे इजराइल हो जाएगा इसी ने क्या किया है चूहा के स्टेम स्टेम का सेल का सेल प्रयोग करके सबसे पहला कृत्रिम तैयार करने का आ, प्रयास किया है नेक्स्ट सवाल देखिएगा भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर आकाशा एयर देखिएगा आकाशा एयर की बात करता है बेटा याद रखिएगा आकाशा एयर जो है ना यह अगर बात किया जाए तो आकाशा एयर एक कम कम लागत वाली क्या है एयरलाइन है कम लागत वाली एयरलाइन है यहां पर सीसीआर सीसीआर वाह वाह बहुत बढ़िया बेटा और इसका हेडक्वार्टर पूछेगा क्वेश्चन झूम करके पूछेगा कहेंगे कहां पर है कहेंगे मुंबई में है तो आकाशा एयरलाइन जो है यह कम लागत वाली एक एयरलाइन है और यह इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है और ये कहां से कहां उड़ान भरा कहेंगे मुंबई से कहां तक अहमदाबाद तक भरा है ये बात आप समझ गए और सभी लोगों ने यहां पर झूम करके आंसर भी दे दिया लाजवाब बेटा निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर हर घर जल प्रमाणित राज्य बना अगर यहां पर राज्य के अलावा आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछता अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ देता शासित प्रदेश पूछता तो क्या कहते तब क्या कहते तब आप वही कहते वही कहते भैया दादरा एवं नागर हवेली दादरा एवं नागर हवेली दादरा एवं नागर हवेली हवेली और कौन है कहेंगे दमन और दीव दमन एवं दीव दमन एवं कौन है आप कहना दीव है पहला केंद्र शासित प्रदेश यह है और पहला राज्य कौन है बेटा पहला राज्य कौन है बहुत बढ़िया क्या बात है वही है जहां जाना है शादी के बाद चला बात समझ गए गोवा 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 देखा अगला अरे समाप्त हो गया बासठ क्वेश्चन हुआ बासठ क्वेश्चन हुआ समाप्त हो गया चलिए तो आज का खेला संपन्न हुआ कल हम लोग आएंगे एक नए टॉपिक के साथ आएंगे एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको बता चुका हूं बुक्स उसमें रहेगा ही रहेगा बुक्स जो रहेगा वो ट्रिकी बुक्स रहेगा मतलब मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा तो लंबे समय तक याद रहेगा और साथ में कोई और टॉपिक ले लूंगा जो आपके पेपर में आ रहा है इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है मतलब प्रत्येक से प्रत्येक प्रत्येक बार ये क्वेश्चन आ रहा है उसकी भी हम बात करेंगे है ना जो जो क्वेश्चन आ रहा है उनका भी मैं तैयार कर लूंगा और कल आपके सामने पेश कर दूंगा परेशान ना होइएगा आप लोग जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं तो बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है आप सभी लोगों ने पढ़ा मन से पढ़ा अच्छा लगा मन से पढ़ा अच्छा लगा आप लोग वहाँ से पेट्रोल डालते रहते हैं इंजन चलता रहता है जैसे पेट्रोल कम होता है इंजन डाउन हो जाता है याद रखिएगा ठीक है ना बहुत बढ़िया क्या बात है तो चलिए दोस्तों इसी के साथ थैंक यू सो मच टेक केयर बब बाय गुड नाइट फिर मुलाकात होगा आपसे कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान हर हर महादेव एक मिनट खत्म हो गया बहुत तेज़ जल्दी है बताएंगे 哎。<laughs> <laughs> चलिए 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 एक मिनट एक मिनट रुक जाइए सभी लोग जाइए मत जाइए मत जाइए मत थोड़ा सा रुके रहिए प्रसाद लेने लेने के बाद जाना नहीं है भाई रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए आइए थोड़ा सा हम भारत का उच्चावच बता दें क्योंकि सवाल आ रहा है तो भारत का उच्चावच जानना बहुत जरूरी है लगे हाथ ध्यान दीजिएगा उच्चावच की बात करते हैं देखिएगा जैसे मान लीजिए भारत है ये ध्यान दीजिएगा भारत की मैं बात कर रहा हूँ देख लीजिए रुके रहिए काम की चीज़ में दे दे रहा हूँ कुछ जैसे ये भारत है बेटा ये देखिएगा मैं कुछ ज्ञान की बातें बता रहा हूं ये चलिए ठीक है बेटा थोड़ा सा यहां पर कुछ मैं चीजें बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज समझा दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन जाएगा तो जो पेपर में आ रहा है आप उसका आंसर दे पाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है तो किसी भी परिस्थिति में आप आंसर देने के लायक रहेंगे किसी भी परिस्थिति में आंसर देने के लायक रहेंगे ठीक है डेली पाँच बजे हमारा सीआरपीएफ का क्लास होता है डेली पाँच बजे यूट्यूब पर होता है सीआरपीएफ का क्लास होता है इसमें आप लोग भी आ सकते हैं और शानदार क्लास चलता है इधर देखिए अगर हम इसके उच्चावस की बात करें अगर हम इसके उच्चावस की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा पर्वत है एक छोटा सा पर्वत है ये पर्वत है इस पर्वत को कहा जाता है ट्रांस ये आपका ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम काराकोरम के जस्ट बाद आता है कौन सा काराकोरम के बाद आता है लद्दाख लद्दाख के जस्ट बाद आता है कौन सा कहेंगे जास्कर आता है काराकोरम लद्दाख क्या हो गया जास्कर हो गया ये के मतलब काराकोरम ये लद्दाख ये क्या हो गया जास्कर हो गया काराकोरम लद्दाख जास्कर ये तीन क्या है श्रेणियां हैं याद रखिए किसका है ट्रांस हिमालय का भाग है ये तीनों के तीनों कौन है ट्रांस हिमालय लेकिन इसके जस्ट बाद देखिएगा इसके जस्ट बाद ये आपका एक श्रेणी है इसका नाम है ग्रेट हिमालय ये ग्रेट हिमालय आता है कहां तक यहां तक आता है ये आपका आ गया कहां तक अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद यू टर्न लेकर के चला जाता है कहाँ पर ये म्यांमार कंट्री में जाता है और डूब जाता है डूबने का बाद ऊपर आता है डूबने के बाद ऊपर आता है और ये क्या बन जाता है ये बन जाता है अंडमान निकोबार तो ए एंड एन जो है अंडमान निकोबार किसका भाग है आप कहेंगे इसी का भाग है ग्रेट हिमालय का भाग है ये बेटा किसका भाग है कहेंगे ग्रेट हिमालय का भाग है ये ग्रेट हिमालय का भाग है ग्रेट हिमालय का भाग है ग्रेट हिमालय का ये ग्रेट हिमालय ही है ग्रेट हिमालय है बात ध्यान दीजिएगा ये समुद्र में बंगाल की खाड़ी में डूब गया है इसके जस्ट बाद ग्रेट हिमालय के जस्ट बाद ये जी है जी का मतलब ग्रेट हिमालय इसके बाद मध्य हिमालय मध्य हिमालय इस तरीके से आता है और जा करके दार्जिलिंग के पास यानी सिक्किम के पास पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास ये इसी ग्रेट हिमालय से मिल जाता है ग्रेट हिमालय से जा मिल जाता है ग्रेट हिमालय से मिल जाता है ये देखिए यानी ग्रेट हिमालय आपका ये है ग्रेट हिमालय ये है ग्रेट हिमालय से ये आपका मध्य हिमालय जा करके यहाँ मिला यहां कहाँ मिला आप कहेंगे ये है दार्जिलिंग ये क्या है आप कहेंगे दार्जिलिंग है दार्जिलिंग इस दार्जिलिंग के पास क्या होता समाप्त हो जाता है कौन ये मध्य हिमालय इसी को निम्न हिमालय कहते हैं तो ये समाप्त हो गया देखिए इसके जस्ट बाद एक हिमालय की श्रेणी और है ये श्रेणी चली जाती है कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक चली जाती है और जा करके मिल जाती है किसे तो ग्रेट हिमालय से मिल जाती है तो ये आपका कौन सा हो गया ये आपका हो गया आपका सिवालिक स्टडी हो गया ये शिवालिक हो गया बीच वाला मिडिल हो गया ये बात ध्यान दीजिएगा ठीक है ना मिडिल हो गया एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं दिमाग में सेट या रहा हूँ एक सेट हो जाएगा ना तो उच्चावच पता चल जाएगा उस हिसाब से कौनो सवाल आएगा दिमाग लगा के आप आंसर दे पाएंगे तो सबसे पहले कौन सा श्रेणी हो गया बेटा तो आप कहेंगे गुरु सबसे पहले तो यहाँ काराकोरम हो गया ये तीन क्या है कहेंगे काराकोरम है ये बेटा क्या है काराकोरम है काराकोरम काराकोरम की जस्ट बाद ये तीन श्रेणी जो दिखाई दे रही है इसको हिमालय कहा जाता है ये क्या कहा जाता है बाबू कहेंगे गुरु जी इसको हिमालय कहते हैं ये कौन है कहेंगे हिमालय है ये हमारा हिमालय है हिमालय यही हिमालय में तीन श्रेणिया हैं ग्रेट हिमालय मध्य हिमालय शिवालिक इसके जस्ट बाद आप आएंगे तो यहां पर मैदानी भाग दिखाई देगा आपको यहां पर उत्तर का मैदानी भाग है कौन है आप उत्तर का मैदानी भाग उत्तर का ये मैदानी भाग है उत्तर का मैदानी भाग है बात ध्यान दीजिएगा यही उत्तर का मैदानी भाग है जहां पर उत्तर प्रदेश वगैरह आपको देखने को मिलता है इसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है बेटा ये वाला ये प्रायदीपी पठार है ये क्या है प्रायदीपी पठार है प्रायदीपी पठार है ये क्या है प्रायदीपी पठार कहा जाता प्राय है प्रायदीपीय पठार प्रायदीपीय ये पठार है पठार प्रायदीपी पठार है ठीक है सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई भारत में अगर बात किया जाए सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई अगर पूछे फिजियोग्राफिक रीजन का कौन सा है तो आप कहेंगे यही प्रायदी पठार है पठार पठार है पठार है अब इसके की मैं बात करता हूं मैं नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा हूं ध्यान दीजिएगा मैं नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा हूं एकदम लपेट लीजिएगा अभी चटमंगनी पट ब्याह कर दूंगा इनका ठीक है नीचे से ऊपर हम चलना है कहां से नीचे से ऊपर चलना है तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो देखेंगे आपको ये पठार दिखाई देगा ये प्रायदीपी पठार है ये कौन है आप कहेंगे गुरु जी यह प्रायदीपी पठार है प्रायदी क्या है आप कहना पठार है पठार इसके जस्ट बाद आपको दिखाई देगा कौन सा मैदानी भाग दिखाई देगा ये मैदानी भाग हो गया बेटा मैदानी भाग मैदानी भाग के बाद आपको दिखाई देगा ये आपका शिवालिक है ये शिवालिक के बाद कौन सा है कहेंगे मध्य हिमालय मध्य हिमालय के बाद कौन है कहेंगे ग्रेट हिमालय है ग्रेट हिमालय के बाद कौन सा है ग्रेट ग्रेट हिमालय के बाद कौन सा है ग्रेट हिमालय है ग्रेट हिमालय की जस्ट बात क्या आता है कहेंगे ट्रांस हिमालय ये ट्रांस हिमालय ट्रांस ये कौन हो गया कहेंगे ट्रांस हिमालय है ट्रांस हिमालय ये ट्रांस हिमालय है अभी आपने देखा अब आप देखिए यहां पर कौन है कहेंगे ट्रांस हिमालय है ट्रांस इधर देखिएगा बाहू सावधानी हटी दुर्घटना घटी देखा हाई ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय से नीचे की तरफ आएंगे तो कौन मिलेगा आप कहेंगे ग्रेट मिलेगा फिर मध्य मिलेगा शिवालिक मिलेगा इधर देखिएगा इधर देखिए ये कौन है कहेंगे गुरुजी ये तो आपका ग्रेट है ग्रेट ये कौन सा है ग्रेट हिमालय है ग्रेट हिमालय ग्रेट हिमालय के बाद कौन मिला तो आप कहेंगे ग्रेट हिमालय के बाद मध्य हिमालय मिला मध्य हिमालय मध्य हिमालय के बाद कौन मिला कहेंगे शिवालिक मिला शिवालिक और शिवालिक जस्ट पहले क्या मिलेगा तो आप कहेंगे गुरु जी यही का है साफ साफ देखिए उत्तर का मैदानी भाग है मैदानी भाग है उसके बाद ना प्रायदीपी पठार है ये कहेंगे ना तो देखा तो ये कौन है आप कहेंगे गुरुदेव हाई तो पूरा का पूरा मैदानी भाग है उत्तर का मैदानी भाग एक दलदली क्षेत्र है दलदली क्षेत्र है 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 ये ये क्या क्या उत्तर 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 का 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 मैदान 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 कहेंगे तो इसके जस्ट बाद क्या है प्रायदीपी पठार हम नीचे की तरफ आ गए नीचे से ऊपर जाइए चाहे ऊपर से नीचे आइए इस प्रकार से चावच आपको देखने को मिलेगा ये बाबू इस प्रकार से उच्चावच देखने को मिलेगा एदवंशी ट्रिक है कल जाएंगे ठीक है ना यहाँ देखा तो ये आपने उच्चावच देखा अब यहां पर देखिए सवाल एक बनता है जबरदस्त क्या बनता है जैसे यहां पर काराकोरम लद्दाख जास्कर के बीचवा में यहां पर एक थ्रस्ट है ये एक थ्रस्ट है थ्रस्ट, याद रखिए थ्रस्ट मतलब हुआ दो पर्वतों के बीच एक सकरा मार्ग थ्रस्ट मतलब घाटी हो गया तो यहां पे एक थ्रस्ट दिखाई देगा ग्रेट हिमालय मध्य के बीच एक दिखाई देगा मध्य और शिवालिक के बीच एक दिखाई देगा और साथ में शिवालिक और उत्तर के मैदानी भाग के बीच एक दिखाई देगा तो यहां पर देखिए सबसे पहले ये आपको थ्रस्ट दिखरेगा दिखेगा थ्रस्ट ये कौन सा थ्रस्ट है थ्रस्ट है। यानी ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करने वाला थ्रस्ट कौन सा है कहेंगे आई टी एस जेड है इसको कहा जाता है इंडस है। इंडस सेंगपो ये क्या है सेंगपो सेंगपो सचर जोन कहा जाता है सचर जोन कहा जाता है इंडस सेंगपो सचर जोन सवाल आता है किसको किसको अलग करता है? क्या कहेंगे आप कहेंगे ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालयस करता है आगे देखिएगा आगे ये किसको किसको थ्रस्ट अलग करेगा यहां ग्रेट हिमालय को मध्य हिमालय से कौन अलग करेगा कहेंगे एमबीटी एमसीटी करता है एमसीटी का मतलब होता मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है ये क्या है मेन सेंट्रल सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता एमसीटी किसको अलग किया ग्रेट को मध्य से ग्रेट को मध्य से वहीं पर मध्य को किससे शिवालिक से अलग करने वाला कौन है आप कहेंगे गुरुजी ये एमबीटी है एमबीटी इसको कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट ये क्या है मेन बाउंड्री मेन बाउंड्री क्या है ये आपका थ्रस्ट है थ्रस्ट मेन बाउंड्री थ्रस्ट है उसके जस्ट बाद देखिएगा इसके जस्ट बाद यहां पर शिवालिक कोर उत्तर के मैदानी भाग से अलग करने वाला भी एक थ्रस्ट है और उस थ्रस्ट का मतलब क्या होता है उसका नाम है एच एफ एफ तो एच एफ एफ क्या करता है आप कहेंगे एच एफ एफ जो करता है ना इसे कहते हैं हिमालयन फल्टफ हिमालयन हिमालयन फ्रंट फॉल्ट यह है फ्रंट फ्रंट फॉल्ट है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है अर्थात एच एफ एफ किसको किसको अलग कर दिया आप बात समझ गए उत्तर के मैदानी भाग को शिवालिक से अलग कर दिया इसका मतलब अब हम अगर यहां पर आपको दिखाना चाहें और आप देखें तो आप समझ जाएंगे बता भी देंगे हमने कहा देखिए ट्रांस हिमालय और इस ग्रेट हिमालय के बीच एक यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच इधर देखा और गेट गेट ट्रांस और ग्रेट ग्रेट के बीच देखिए ट्रांस और ग्रेट के बीच क्या है यहां पर एक थ्रस्ट है ये थ्रस्ट है यही थ्रस्ट मैं बताया हूं ये वाला ये ये वाला वाला थ्रस्ट वाला थ्रस्ट जो बताया हूं वही बताया हूं इसके जस्ट बाद देखिए यहां पर ग्रेट हिमालय ग्रेट और मध्य के बीच यहां पर एक थ्रस्ट है ग्रेट मध्य के बीच थ्रस्ट थ्रस्ट है और वो कौन ग्रेट मध्य के बीच ये वाला थ्रस्ट है ये वाला इसके बाद देखिए मध्य शिवालिक के बीच है मध्य शिवालिक के बीच है तो मध्य शिवालिक के बीच ये मध्य और शिवालिक के बीच वहां ये है मध्य शिवालिक के बीच ये थ्रस्ट है दो पर्वतों के बीच का थ्रस्ट है उसके जस्ट बाद देखिए यहां पर कौन है कहेंगे ये तो उत्तर के मैदानी भाग को अलग कर रहा है शिवालिक से तो उत्तर के मैदानी भाग को शिवालिक से ये थ्रस्ट आपका ये थ्रस्ट है बीच वाला थ्रस्ट है ये है ये बात आप समझ गए ना तो कुल मिलाकर के इतना आपको थ्रस्ट दिखाई दिया लगे हाथ एक थ्रस्ट और आपको बता दे रहा हूं जिसे कहा जाता है जीबीटी जीबीटी कहा जाता है ये सवाल जब आता है तो आदमी नाच जाता है नाच देता है नाच मेरी बुलबुल बुल तो पैसा मिलेगा यार देखा अगर सवाल ये पूछ दे कि जो जीबीटी होता है किसको किसको अलग करता है जीबीटी का मतलब होता है ग्रेट ये ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट होता है ग्रेट बाउंड्री क्या कहते हैं थ्रस्ट कहते हैं ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है देखिए कैसे याद होगा देखिएगा ये भारत है ना भारत तो ये भारत है तो यहां पर आप देखेंगे तो ये भारत में इधर आप देखेंगे बेटा तो यहां पर आपको ये कौन सा पर्वत है कहेंगे इसका नाम है इसका नाम है अरावली ये अरावली पर्वत है अरावली माउंटेन है ये अरावली पर्वत है अरावली पर्वत इसी प्रकार से है इसी शेप में है इधर पतला है इधर चौड़ा है ठीक है और यहाँ पर आपका कौन सा पर्वत है कहेंगे यहाँ पर एक पर्वत है इसका नाम है विंध्य पर्वत ये कौन सा है आप कहेंगे विंध्याचल पर्वत है विंध्याचल पर्वत है विंध्याचल पर्वत यानी विंध्याचल पर्वत और साथ में इनके बीचवा भी यहां पर एक थ्रस्ट आपको दिखाई दे रहा है ये थ्रस्ट देख रहे ना यही वो थ्रस्ट है जिसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा यही थ्रस्ट है ये थ्रस्ट कौन है यही है जीबीटी इसी को कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट यही थ्रस्ट है यही थ्रस्ट है ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है एक बात और ध्यान दीजिएगा लगे हाथ यहीं पर यही से वो नदी निकलती है बेटा यहीं से नदी निकलेगी कौन सी माही नदी ऊपर की तरफ जाएगी उत्तर की तरफ और ये इसी थ्रस्ट से होते हुए ये नदियां आती है कहां पर यहां खंभात की खाड़ी में आती है खंभात की खाड़ी है ये खंभात की खाड़ी है इसका नाम क्या है आप कहेंगे खंभात की खाड़ी कही जाती खंभा इसी खंभात की खाड़ी में नदी आती है कौन नदी यही है माही नदी यही है माही नदी है क्वेश्चन ये बनता है कि माही नदी किस थ्रस्ट से होकर के गुजरती है ये सवाल अगर आ जाएगा ना तो अच्छा अच्छा आदमी नाच जाएगा पेपर में तो आप कहेंगे जीबीटी है ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट किसको किसको अलग किया आप कहेंगे अरावली को विंध्याचल से अलग कर दिया इनके बीचवा में है, इनके बाकी जो एम सी टी है एम बी टी है भाई जितना बताया हूँ वो सब आपके दिमाग में है ये वही नहीं है, ये तो वही नदी है ना ये तो वही नदियाँ है बाबू जो कर्क रेखवा से जाती है, कर्क रेखा है ये कर्क रेखा है ना यही है कर्क रेखा यही आपका कर्क रेखा है इसी कर्क रेखा को एक बार जाते समय एक बार आते समय दो बार काटती है नदी ये बात आप समझ गए बहुत बढ़िया यदुवंशी बाबू बहुत अच्छा बेटा तो ये जो मैंने समझाया है उच्चावच समझाया हूँ इसका उच्चावच बता दिया हूं सब कुछ है, और इसी उच्चावच में चलिए आइए इसको भी मैंने समझा दिया है अब इसी उच्चावच में जरा ध्यान दीजिएगा लगे हाथ इनका भी यहीं पर निपटारा कर देते हैं इनका भी यहीं पर निपटारा कर देता हूं देखिएगा यहां पर आपका कौन सा है कहेंगे गुरुजी जी यहां पर तो एक पर्वत है इसका नाम क्या है कहेंगे काराकोरम यह आपका काराकोरम है काराकोरम तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का देखिए सबसे ऊंची चोटी आपको यह दिखाई दी ये वाली इसी चोटी का नाम क्या है आप कहेंगे इसी को कहा जाता है यही आपका केटू है इसी को कहते हैं गार्डविन आस्टिन यही आपका गार्डविन आस्टिन कहा जाता है गार्डविन आस्टिन कहा जाता है यही आपका गार्डवीन आस्टिन आठ हजार छह सौ ग्यारह मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है छोड़ के मत जाइएगा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बेटा अभी एकदम मजाक मजाक में खेला हो जाएगा इनका याद रखिएगा काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है केटू अब केटू के बारे में याद रखिएगा ये सवाल पहला है कहेगा काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो आप कहेंगे यही है सबसे ऊंची सबसे ऊंची चोटी कौन है बेटा आप कहेंगे ही है साथ में याद रखिएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची सबसे ऊंची क्या है चोटी है चोटी चोटी तो सबसे ऊंची भी भारत की है, केटू है और काराकोरम की भी सबसे ऊंची चोटी कौन है यही है इसी के बगलिया में यहां पर एक ग्लेशियर दिखाई देगा इस ग्लेशियर का नाम क्या है कहेंगे सियाचिन है यही है सियाचिन ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर जो है क्या है भारत का सबसे बड़ा है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सबसे बड़ा क्या कहा जाता है सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है ग्लेशियर पूरे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है कि यही है सियाचिन और इसके बारे में बहुत कुछ मैं बता चुका हूं ऑपरेशन में एक दूध बताया हूं उन्नीस वाला ये भी आप समझ गए, अच्छा हाँ बहुत अच्छा शानदार बेटा इस इरसाद इरसाद साहब लाजवाब बेटा ये इसका लोकेशन अगर आपसे पूछ दे कहां पर पड़ता है आप कहेंगे केटू का जो लोकेशन है वो कहां है पीओके में है पीओके पीओके का मतलब होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी इतना पोर्शन किसका है इतने पोर्शन पे अधिकार किसका है आप कहेंगे पाकिस्तान का है इसी पीओके के अंतर्गत ये आता है कौन केटू आता है तो बात यहाँ पर जहर है ये बात ध्यान दीजिएगा तो ये काराकोरम का हो गया काराकोरम का कहानी हो गया इसी ग्लेशियर के बगल में और बहुत सारे ग्लेशियर हैं जैसे साल्टोरो बाल्टोरो हिसपर विस्पर ठीक है हुंजा बैफो ये सभी के सभी हैं ठीक है ना चला चला जल्दी जल्दी होगा जल्दी होगा आगे देखिएगा सही बात है जल्दी जल्दी हो जाएगा भारत के अंदर अब देखिएगा लगे हाथ इनको भी देख लीजिए लगे हाथ इनको भी देख लीजिए अब यहां पर बाबू क्या है यहां पर ये तो काराकोरम हो गया ये आपका काराकोरम हो गया इसके जस्ट बाद कौन सा कहेंगे जास्कर है ये जास्कर है जास्कर ये कौन है जास्कर है जास्कर है जास्कर इस जास्कर की बात करते हैं हम जास्कर का देखिए देखिये कौन है जास्कर है काराकोरम के बाद जास्कर की बात आ गया अब जास्कर में क्या है तो यहां पर भी एक चोटी है एक चोटी है सबसे ऊंची चोटी है इस चोटी का नाम क्या है माउंट राका पोसी इसे कहते हैं राका पोसी यह राका पोसी है माउंट राका पोसी है और माउंट राका पोसी याद रखिएगा पूरे विश्व का पूरे दुनिया की विश्व की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है सबसे तीव्र ढाल वाली सबसे तीव्र ढाल वाली क्या है

इसके बाद कौन सा आता है कहेंगे इसके बाद तो नाम आता है यहां पर एक श्रेणी और इसका नाम है कौन सा है ये आपका है आपका काराकुरम लद्दाख ये लद्दाख है सॉरी ये लद्दाख है लद्दाख लद्दाख और लद्दाख के बाद कौन है कहेंगे जास्कर है ये कौन है जे मतलब जास्कर है काराकोरम लद्दाख जास्कर ये बात आप समझ गए अब यही बात एक बात और याद रखिएगा यही एक और बात याद रखिएगा यहां से सिंधु नदी निकलती है और इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच क्या होती है बहते हुए चली जाती है कहां पर पाकिस्तान में चली जाती है ये कौन सी रिवर है आप कहेंगे सिंधु नदी है सिंधु नदी है क्वेश्चन आता है किन दो पर्वतों के बीच अवस्थित है तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे गुरु जी ये तो जास्कर और लद्दाख के बीच है और इसी के बगलिया में यहां पर एक जगह है यहां जगह है इस जगह का नाम क्या है ले है यानी सिंधु नदी अगर ऐसे जा रही है तो राइट इधर पड़ेगा लेफ्ट इधर पड़ेगा तो राइट साइड में पड़ रहा है राइट साइड में कौन तो पूरा का पूरा संबंधित जितना सवाल आता है मैं बता दिया अब आगे बढ़ते हैं देखा देखा अब आते हैं उसके नीचे हिमालय के बाद क्या मिलेगा कहेंगे इसके बाद तो मिलेगा गुरु ग्रेट हिमालय मिलेगा इसके बाद क्या मिलेगा कहेंगे ग्रेट हिमालय मिलेगा यहां पर हिमालय मिलेगा इधर देखिए ये कौन है आप कहेंगे गुरुजी ये तो आपका ग्रेट हिमालय देखिए ग्रेट हिमालय ग्रेट हिमालय अब इसकी खासियत देखिए इसका भी खासियत देख लीजिएगा खासियत देख लीजिएगा यहां पर एक सबसे ऊंची चोटी है बेटा ये सबसे ऊंची चोटी है इसके जस्ट बाद क्या है सब चोटी है चोटी 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 छोटी एक चोटी और ऊंची एक चोटी और ऊंची इनका एक चोटी और ऊंचा याद रखिएगा इनका एक चोटी और ऊंचा याद रखिएगा देखिए जितना चोटी लिखा हूं बस इतना ही से सवाल आता है पेपर में झूम बराबर झूम शराबी याद रखिएगा पहला ये है कौन है कहेंगे इसका नाम है नंगा कौन है ये नंगा पर्वत है नंगा पर्वत नंगा पर्वत भी कहां पड़ेगा पीओके में पड़ेगा पीओके में यानी ग्रेट हिमालय यही ग्रेट हिमालय है इस ग्रेट हिमालय का विस्तार भारत में कहां है भारत, इसके बाद तो म्यांमार में चला जाता है भारत में कहां से कहां कहेंगे नंगा पर्वत से लेकर के ये कौन है कहेंगे नामचा पर्वत इसका क्या नाम है नामचा 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 बरवा चोटी है नामचा बरवा क्या है बेटा ये चोटी है नामचा बरवा चोटी है यानी पश्चिम में नामचा बरवा चोटी तो यहां पश्चिम में कहां पर नंगा पर्वत पूर्व में नामचा बरवा ये नामचा बरवा कहां पड़ता है एपी में पड़ता है एपी में आंध्र अरुणाचल प्रदेश में इस इसका भी नाम याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं कुमायू कुमायु कहा जाता है ये क्या बोलते हैं नंदा देवी कहते हैं ये कौन सा है? नंदा देवी है माउंट नंदा देवी है इसका नाम क्या है कहेंगे माउंट एवरेस्ट है ये माउंट एवरेस्ट है माउंट एवरेस्ट है एक और याद रखिएगा यहाँ पर भी एक चोटी है एक चोटी है एक चोटी है चोटी इसका नाम क्या है बेटा कहेंगे गुरु जी इसका तो नाम है कंचन जंगा ये कंचन जंगा कंचन जंगा देखिएगा अब यहाँ से सवाल कौन कौन सा सवाल पेपर में देखने को मिलता है कौन कौन सा पेपर मिलता है देखिएगा नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक विस्तार है ग्रेट हिमालय का दोनों का लोकेशन आपने देख लिया उसके बाद देखिए नंदा देवी के बारे में पूछता है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कुमायू हिमालय की कुमायू हिमालय कि सबसे ऊंची चोटी कौन है सबसे ऊंची सबसे ऊंची चोटी कौन कही जाती है आप कहेंगे यही कही जाती है यही कही जाती है अच्छा कुमायूँ हिमालय ही क्यों हुआ तो कुमायु हिमालय इसलिए हुआ क्योंकि नदियों के बहने के आधार पर यहाँ से एक नदी ऐसे बहती है इस नदी का नाम क्या है कहेंगे सिंधु है इसका नाम क्या है बेटा कहेंगे सिंधु रिवर सिंधु और सिंधु के जस्ट बाद कौन सा है तो आप कहेंगे यहीं से एक नदी और आती है ये सतलज है कौन है ये आपकी सतलज नदी है सतलज है. इन दोनों के बीच का जो हिमालय है ये हिमालय कौन सा है ये पंजाब हिमालय है बेटा पंजाब हिमालय पंजाब हिमालय इसे पंजाब हिमालय कहते हैं पंजाब हिमालय ध्यान दीजिएगा ये भी लगे हाथ ये भी याद रखिए और यहीं से उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर एक और नदी बहती है इसका नाम क्या है कहेंगे काली नदी है तो काली और साथ में सतलज के बीच का जो हिमालय है ये कुमायू हिमालय है ये जो हिमालय है क्या है तो आप कहेंगे कुमायू ये कुमायू हिमालय कहा जाता है और इस कुमायू हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो आप कहेंगे नंदा देवी देखिए कुमायू हिमालय इसलिए मैं लिखा था कुमायू हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है नंदा देवी इसके जस्ट बाद सिक्किम से एक नदी ऐसे आती है इसका नाम है तीस्ता ये तीस्ता नदी है तीस्ता तीस्ता और काली के बीच जो हिमालय है इसे नेपाल हिमालय कहते हैं नेपाल हिमालय ये कौन हिमालय है कहेंगे नेपाल हिमालय है नेपाल हिमालय का विस्तार सबसे ज्यादा है याद रखिएगा नेपाल हिमालय इसके बाद ये देखिए यहां से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेकर के चली जाती है कहां पर बांग्लादेश में ये ब्रह्म ब्रह्मपुत्र है और इसे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं दिहांग कहते हैं यही है दिहांग यानी दिहांग और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है इसे असम हिमालय कहा जाता है असम हिमालय बात समझ गए आप तो नंदा देवी आपने देखा माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है कंचन जंगा का लोकेशन कहा कहेंगे भारत और नेपाल भारत और कहां पर नेपाल और भारत में कहां पर तो कहेंगे भारत में सिक्किम में यानी इसका जो लोकेशन है देखिए सिक्किम राज्य है सिक्किम राज्य में इसका थोड़ा सा विस्तार पाया जाता है उसके बाद ज्यादा विस्तार नेपाल में तो ये कहाँ का हो गया कहेंगे गुरु जी ये तो हो गया आपका हमारा वहां का पूरा का पूरा ग्रेट हिमालय का हो गया ग्रेट हिमालय के जस्ट बाद देखिए कौन सा हिमालय आता है आप कहेंगे फिर वही बात रटना पड़ेगा कहेंगे जी हाँ वही रटना पड़ेगा फिर से वही रटना पड़ेगा क्योंकि काम का चीज है बाबू काम का चीज है नहीं तो है देखा इसके बाद आपका ग्रेट हिमालय तो आपने देख लिया ग्रेट हिमालय ये है अच्छा ये आपका नंगा पर्वत है और ये आपका नामचा है है इसके इसके जस्ट जस्ट बाद बाद कौन है? कहेंगे इसके बस बाद आता मध्य हिमालय आता है और मध्य हिमालय जो है कंटिन्यूअस श्रेणी नहीं है बल्कि वह बिखरी बिखरी श्रेणियों के रूप में चलती है कैसे कैसे देखा एक श्रेणी आपकी ये है कहां पर ये श्रेणी कहाँ पाई जाएगी कहेंगे ये पाई जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में कहा इसे क्या कहते हैं कहेंगे पीर पंजाल ये पीर पंजाल श्रेणी है यह कौन सा हिमालय बता रहा हूं मध्य हिमालय इसी इसी को क्या इसी को क्या क्या कहते कहते हैं हैं निम्न हिमालय लघु हिमालय तो आपका क्या है लघु हिमालय है लघु हिमालय है तो यह बात ध्यान दीजिएगा ठीक है पीर पंजाल श्रेणी है बेटा और इस श्रेणी की बात करें कहां पाया जाएगा कहेंगे ये मिलेगा जेएनके जेएनके का मतलब जम्मू कश्मीर लघु हिमालय का पहला दूसरा कौन सा देखिए दूसरा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है कहेंगे धौलाधार ये धौलाधार श्रेणी है धौलाधार श्रेणी है बेटा और धौलाधार श्रेणी की बात किया जाए तो कहां है कहेंगे एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में है इसके जस्ट बाद देखिए उत्तराखंड में भी चोटी आपको दिखाई देगी पर्वत दिखाई देगा बिखरा बिखरा श्रेणी दिखाई देगा इसे क्या कहते हैं नाग टिब्बा कहते हैं ये आपका क्या है कहेंगे नाग टिब्बा है कहा मिलेगा यूके मतलब उत्तराखंड में इसके जस्ट बाद कहाँ मिलेगा नेपाल में आ जाइए नेपाल में कौन सा है नेपाल में तो आप कहेंगे महाभारत है ये महाभारत श्रेणी है और महाभारत श्रेणी का विस्तार कहाँ है आप कहेंगे नेपाल में है तो कुल मिलाकर के मध्य हिमालय का भी ओम नमः स्वाहा हो चुका है बेटा ओम नमः स्वाहा हो चुका है यानी कुल मिलाकर के पीर पंजाल धौलाधार नाग टिब्बा महाभारत ये सब किसकी श्रेणियां हैं तो आप कहना ये सब श्रेणियां किसका है इसी मध्य हिमालय का भाग है मध्य हिमालय का भाग है तो मध्य हिमालय भी क्या हो गया बवाल समाप्त हो गया बवाल समाप्त हो गया बात समझ गए बाबू चला इसके बाद कौन सा है इसके बाद कहेंगे शिवालिक है इसके बाद कौन सा बेटा शिवालिक है इसके जस्ट बाद कौन आता है तो आप कहेंगे शिवालिक आता है शिवालिक शिवालिक का भी देख लीजिए खेला इनका समाप्त हो गया अब जितना बताया उसी से सवाल आता है झूम झूम के ठीक है ना शिवालिक है शिवालिक तो शिवालिक का विस्तार देखिए कहा मिलेगा ये आपका ग्रेट हिमालय है ये आपका मध्य हिमालय खत्म हो गया यहाँ तक दार्जिलिंग के पास खत्म हो गया ये तो मैं बता चुका हूँ बात समझ गए इसके बाद कौन है शिवालिक है तो शिवालिक में देखिएगा शिवालिक में बेटा शिवालिक में यहां जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक हिमाचल प्रदेश तक ये पहाड़ी है ये एक पहाड़ी है इसे कहा जाता है इसे कहते हैं जम्मू पहाड़ियां ये जम्मू पहाड़ियां है, हैं जम्मू पहाड़ियां ये क्या है जम्मू पहाड़ियां हिमा और उत्तराखंड में इस पहाड़ी को क्या कहते हैं इसको कहा जाता है शिवालिक पहाड़ी ये क्या है आप कहेंगे शिवालिक पहाड़ी है शिवालिक देखना शिवालिक पहाड़ी है बाबू है यार तमाशा देख ला तमाशा देख लो बाबू तमाशा चल रहा है ये ये किस हिमालय की बात चल रहा है ये आपका शिवालिक की बात चल रहा है शिवालिक और शिवालिक श्रेणी की मैं बात कर रहा हूँ शिवालिक श्रेणी इसी को वाह्य श्रेणी कहा जाता है यही सबसे वाह है वाह्य है। श्रेणी वा है कहते हैं क्योंकि सबसे बाहरी श्रेणी इसी को कहा जाता है तो शिवालिक हो गया स्थानीय लैंग्वेज पे इसका नाम हो गया जिस प्रकार से आपने देखा था मध्य हिमालय टूटी टूटी बिखरी बिखरी श्रेणियों के रूप में है उसी प्रकार से आपका शिवालिक भी टूटी टूटी बिखरी बिखरी श्रेणियों के रूप में है ठीक है ना हाँ आता है यहाँ पर शिवालिक इसके जस्ट बाद जो नेपाल आपको दिखाई दे रहा है नेपाल आपका ये है नेपाल आपका ये है नेपाल आपका यहाँ तक ये आपका क्या है नेपाल है तो नेपाल में भी यहाँ पर एक पहाड़ी दिखाई देगी ये पहाड़ी इसी इसी का हिस्सा है इसका नाम क्या है कहेंगे चूरिया मुरिया इसका नाम क्या है कहेंगे चूरिया मुरिया इसका नाम क्या है बाबू चूरिया और हई देखा मुरिया हई देखा चूरिया और मुरिया कहाँ पाई जाती हैं ये नया सवाल आपके लिए हो गया कहेंगे गुरुजी जी हाँ सही बात रहे हैं पहली बार सुन रहा हूँ ये कहाँ पाया जाता है नेपाल में तो नेपाल में चुरिया मुरिया जो पहाड़ियां हैं ये किसका हिस्सा है तो आप कहेंगे गुरु जी साफ साफ तो लिख ले नहीं आप यहाँ पर देखा साफ साफ सीधी बात नो बकवास यहाँ क्या है आप कहेंगे गुरु जी शिवाली का भाग है जम्मू पहाड़ियां जम्मू कश्मीर और कहाँ पर आप कहेंगे जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जे एन के प्लस कहां पर एच पी मतलब हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियां कहाँ शिवालिक पहाड़ियां कहा, कहा? उत्तराखंड में और जब चुड़िया मुरिया कहा नेपाल में और इसके जस्ट बाद देखिए सबसे खतरनाक वाला सवाल जो पेपर में आता है ये सवाल आता है ये देखा ये आपका कौन राज्य है कहेंगे इस राज्य का तो नाम है अरुणाचल प्रदेश इसका नाम है एपी एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश यहां पर देखिएगा ध्यान से ध्यान से प्यार से मोहब्बत से ध्यान प्यार मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है देखिए सबसे खतरनाक बात एक पहाड़ी ये है एक पहाड़ी ये है एक पहाड़ी ये है एक पहाड़ी यह है हमने कहा ना हमने कहा ग्रेट हिमालय है इसके बाद ये मिडिल हिमालय है ये आपका शिवालिक जा करके मिला यहां देखिए यहां यहां मिला यहां मिला अरुणाचल प्रदेश में जाके मिला ठीक है ना देखना ना यहाँ मिल गया यानी ये जाके इसे यहां मिल गया अरुणाचल प्रदेश में किससे ग्रेट हिमालय से मिल गया ध्यान दीजिएगा तो यहां पर ये नाम क्या है कहेंगे इसी का नाम है डफला वाले डफला डफला मिरी डफला मिरी और इसका नाम क्या है इसका नाम है अबोर डफला मिरी अबोर और इसका नाम है क्या कहेंगे मिसमी मिसमी तो डफला मिरी अबोर मिसमी पहाड़ियां कहाँ है आप कहेंगे गुरुजी जी है हो है कहां हो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में है कौन डफला मेरी अबोर मिसमी सवाल ये बनता है कि डफला मेरी अबोर मिसमी पहाड़ियां किस हिमालय का भाग है आप क्या कहेंगे बाबू हाँ? यदवंशी बाबू क्या कहेंगे आप कहेंगे गुरु जी साफ साफ तो दिखाई दे रहा है शिवालिक है ना शिवालिक का झमझमा के है शिवालिक कई भाग है जम्मू पहाड़ी शिवालिक पहाड़ियाँ चुड़िया मुरिया और साथ में डफला मेरी अबोर मिसमी ये हो गया खेला संपन्न हो गया आपने देखा मजाक मजाक में हो गया खेला पूरा हिमालय पूरा हिमालय लेट गया अब आप हिमालय के चैप्टर में घुस जाइए खाली अभी मैंने केवल पंद्रह मिनट क्लास लिया है हिमालय के चैप्टर में घुस करके दहाड़ करके आइए देखिए अगर आपने एक एक सवाल ना कर दिया तब आप कहिएगा है ना एक एक सवाल आप कर देंगे लेकिन हाँ हमारी बात ध्यान से सुने होंगे तब आइए फिर से यार देखा हे यार देखा बाबू देखा कहा गई हो आ जाए यार देखा, देखा। चलिए तो यहां से मैंने कहानी स्टार्ट किया था ये सब मैंने आपको चौज बताया था ये आपका ट्रांस हिमालय है ट्रांस हिमालय है यहाँ पर क्या है काराक्रम लिखाया है क्या है ट्रांस हिमालय है पूरा का पूरा क्या है ये ट्रांस हिमालय है ट्रांस हिमालय इसके बाद कौन है तो आप कहेंगे हिमालय है इसके बाद मैदानी भाग है इसके बाद पैरादीपी पठार है क्रम से बताया काराकोरम लद्दाख जास्कर ग्रेट हिमालय मध्य हिमालय शिवालिक देखना ना ये सब आपको याद हो गया होगा काराकोरम लद्दाख जास्कर ग्रेट हिमालय मध्य हिमालय शिवालिक हो गया ना ये बात आप समझ गए आगे देखिएगा इसके बाद क्या है वही चीज या अच्छा एक मैं जीबीटी बनाया था जीबीटी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट का था ये किसको किसको अलग करता है तो आप कहेंगे अरावली को विंध्याचल पर्वत के बीच में पाया जाता है थ्रस्ट और इसी थ्रस्ट से माही नदी बहते हुए जाती है खम्बाद की खाड़ी में पानी गिरा देती है और कर्क रेखा दूर काटती है और ये मैं समझा दिया था ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से कौन अलग करेगा ग्रेट को मध्य से कौन करेगा मध्य को शिवालिक से कौन करेगा और शिवालिक को उत्तर के मैदानी भाग से कौन करेगा ये सब मैं बता दिया हूँ आगे मैंने बताया था क्रम से मैं चला था सबसे पहले काराकोरम की बात किया था काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई के केटू है गाड़ी कहा जाता है आठ हजार छह सौ ग्यारह मीटर है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही कही जाती है आगे देखिएगा अगला हमने कहा था कि यहाँ पर ये जो दुसरका श्रेणी है इसका नाम क्या है कहेंगे जास्कर है काराकोरम लद्दाख है ये कौन है आप कहेंगे लद्दाख है काराकोरम लद्दाख 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 इस लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन है कहेंगे गुरु जी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी यही है कौन सा माउंट राकापोसी है और इसी पर है लद्दाख पर है एक बात और मैंने कहा था लद्दाख और जास्कर के बीच में नदी बहते हुए जाती है सिंधु नदी ये सवाल आता है और इसी सिंधु नदी के दाएं तट पर ले है कहा है तो आप कहेंगे दाएं तट पर दाएं तट पर अवस्थित कौन है ले है ये बात ध्यान दीजिएगा आगे मैंने बात किया इसके बाद बात किया था ग्रेट हिमालय का तो अब यहां पे क्या बात आ गया ये हो गया ग्रेट हिमालय ये ग्रेट हिमालय की बात हो गया ग्रेट हिमालय ग्रेट हिमालय अब देखिए ग्रेट हिमालय ग्रेट हिमालय बड़ा खतरनाक है ग्रेट हिमालय को अलग अलग नाम से जानते हैं इसे क्या कहते हैं महान हिमालय कहते हैं महान हिमालय कहते हैं इसी को हिमाद्री कहा जाता है हिमाद्री हिमाद्री क्यों कहा जाता है क्योंकि यह सालों साल बर्फ से ढका रहता है और एकदम देखने में सफेद सफेद दिखाई देता है इसीलिए इसे क्या कहते हैं हिमाद्री हिमालय कहा जाता है हिमाद्री हिमालय हिमाद्री हिमालय ये बात ध्यान दीजिएगा ग्रेट हिमालय हिमाद्री हिमालय या इसी को क्या कहते हैं आंतरिक हिमालय कहते हैं आंतरिक हिमालय भी इसे कहा जाता है क्यों आंतरिक हिमालय कहा जाता है देखिएगा जैसे मान लीजिए ये आपका कौन सा है कहेंगे ग्रेट हिमालय है ये ग्रेट हिमालय है इसके बाद कौन है कहेंगे मध्य हिमालय है ये मिडिल वाला इसके बाद कौन है कहेंगे गुरु जी ये तो ये तो जो अपना है ये कौन है ये आपका है। है? इधर इधर आप देखेंगे, तो इधर क्या चौड़ा ज्यादा है चौड़ा कितना ज्यादा कहेंगे 500, सौ सौ किलोमीटर चौड़ा है 500 सौ किलोमीटर यहां पर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में के मिलता है कितना है तो आप कहेंगे एक सौ पचास किलोमीटर है अब जरा इमेजिन करिए ध्यान से देखिए अगर हम इसको सर्किल बनाएं तो ग्रेट हिमालय का एक सर्किल बना इसका मिडिल हिमालय का सर्किल बना ये किसका बना कहेंगे ये तो शिवालिक का बन गया इसका मतलब तीनों सर्किलु में ये सर्किल कौन सा है अंदर वाला सर्किल है इसीलिए इसको आंतरिक कहा जाता है और शिवालिक सबसे बाहर वाला सर्किल है इसीलिए इसको वाह हिमालय कहा जाता है और दोनों के बीच में ये है तो मध्य कहते हैं बात समझ गए क्या बात है बात समझ गए तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है आंतरिक हिमालय कहा जाता है ये सब मैं बता दिया हूँ यहाँ पर सबसे पहले नंगा पर्वत कहाँ है आप कहेंगे पीओके में है इसके बाद नंदा देवी के बारे में पूछता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो आप कहेंगे यही है यही है नंदा देवी उसके बाद ध्यान दीजिएगा माउंट एवरेस्ट है पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है एक दो सेंटीमीटर बढ़ रही है दो सेंटीमीटर प्रत्येक वर्ष क्या हो रही? बढ़ रही है इसके बाद क्या हमने बताया हमने कहा कंचन जंगा आप कंचन जंगा के बारे में देखिए सवाल अगर पूछेगा हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो आप कहेंगे गुरु जी कंचनजंगा है लेकिन अगर सवाल यह पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो आप केटू है ये दोनों बात मैं लिख दे रहा हूं यहां पर देखिएगा अगर पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या पूछे बेटा भारत की सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे आप कहेंगे केटु है है इसी को कहा जाता है। अगर सवाल ऐसे पूछे हिमालय पर स्थित हिमालय पर स्थित हिमालय पर स्थित हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे सबसे ऊंची सबसे ऊंची क्या पूछे चोटी पूछे तो क्या आप बताएंगे आप कहेंगे तब वो बताएंगे कंचन जंगा को कंचन जंगा को बताएंगे और कंचन जंगा कहां पर स्थित है आप कहेंगे गुरु जी साफ साफ दिख रहा है हिमालय पर स्थित है यानी कह रहा है हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए आप कंचन जंगा का नाम बताएंगे ये कहा है कहेंगे सिक्किम में पड़ता है सिक्किम में और प्लस सात में कहा पर, की पर नेपाल की सीमा पर पड़ता है सिक्किम नेपाल की सीमा पर पड़ता है कंचनजंगा और ये कंच अरे सिक्किम और नेपाल की सीमा पर पड़ता है कंचनजंगा यही क्या है हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है केटू है जो कि केटू कहां पर है कहेंगे गुरु जी तो ट्रांस हिमालय पर है ये ट्रांस हिमालय पर है बाबू ट्रांस हिमालय पर है ट्रांस हिमालय पर स्थित है बात यहां पर ध्यान दीजिएगा हमने क्या कहा ये तो ग्रेट हिमालय है हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है ये वाली है लेकिन पूरे भारत के रिस्पेक्ट में बात करेगा तो इससे भी ऊंची चोटी कौन है ये ऊपरा जो यहां पर आपने देखा था केटू है ना केटू वो था ठीक है ना लेकिन वो ट्रांस पर था ट्रांसफर ध्यान दीजिएगा चल आगे देखा जाए आगे देखिए इसके बाद हमने कहा था ये नंगा नामचपरवा भी देख लीजिएगा फिर हमने नदियों के बहने के आधार पर एक व्यक्ति थे उनका नाम था सिडनी बुराड सिडनी बुराड एक व्यक्ति थे उन्होंने नदियों के बहने के आधार पर क्या किया था हिमालय का विभाजन किया था चार भागों में पंजाब हिमालय कुमायूं हिमालय नेपाल हिमालय असम हिमालय ये चार नदियों के बहने के आधार पर सतलज और सिंधु के बीच हिमालय पंजाब हिमालय और सतलज और काली के बीच हिमालय कौन सा कुमायूं हिमालय सबसे कम विस्तार किसका है कुमायूं हिमालय का सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है तो नेपाल हिमालय का।, का काली और तिस्ता के बीच कौन सा नेपाल हिमालय तिस्ता और दिहांग के बीच कौन सा हिमालय तो आप कहेंगे असम हिमालय तो जितना मैं बोला हूं उसको आप घटियाते भी रहिएगा घटियाते भी रहिएगा नहीं तो हवा गड़बड़ा जाएगा ये दोनों बात ध्यान दीजिएगा दोनों बात ध्यान दीजिएगा अब देखिएगा ये मैंने समझाया था इसके बाद हमने क्या आप समझाया हाँ अब मध्य हिमालय में बोला कि मध्य हिमालय निरंतर नहीं है जिस प्रकार से अभी आपने देखा ग्रेट हिमालय लगातार में बनाया था ग्रेट हिमालय लगातार में बनाया था लगातार है ये यह लगातार है ग्रेट हिमालय लेकिन ये टूटी टूटी बिखरी बिखरी श्रेणियों के रूप में है चार जगह इसकी श्रेणियां फैली हुई हैं चारों जगहों पर इसका नाम पूछता है कौन सा आप कहेंगे पीर पंजाल श्रेणी कहां है जम्मू कश्मीर में इसके बाद धौलाधार कहां है हिमाचल प्रदेश में नाग टिब्बा कहां है उत्तराखंड में महाभारत कहां है तो आप कहेंगे नेपाल में है यही चार श्रेणी यहाँ पर दोस्तों पेपर में क्वेश्चन आता है आगे देखिएगा अगला है अगला उसके बाद मैंने बोला शिवालिक श्रेणी है वह श्रेणी के बारे में पूछा कहा तो शिवालिक जो श्रेणी है शिवालिक जो श्रेणी है इसकी भी टूटी टूटी बिखरी बिखरी श्रेणियों के रूप में है 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 कहेंगे कहेंगे ब्रेक है, ब्रेक है, यार देखा, हाँ, ब्रेक देखा तो कौन है सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में इन पहाड़ियों को कहा जाता है जम्मू पहाड़ियां और केवल उत्तराखंड में कहा जाता है शिवालिक पहाड़ियां और नेपाल में जो ये पहाड़ी है शिवालिक का हिस्सा जो जाता है उसे स्थानीय लैंग्वेज पे कहते हैं चूरिया मुरिया चूरिया मुरिया और यही पहाड़ी जब जाती है अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ पर डफला मेरी अबोर मिसमी ये पहाड़ियां बन जाती हैं जनजातियों के नाम पर इनका नामकरण किया गया है तो ये बात आप समझ गए ठीक है ना बात समझ गए चला बोगा तो ये मैंने आपका टॉपिक है खत्म कर दिया प्यार प्यार में प्यार प्यार में खत्म हो गया टॉपिक खत्म हो गया ठीक है ना तो आपको मैंने पूरा जो हिमालय वाला ट्रांस हिमालय वाला जो आपका मेन मेन टॉपिक था वहां से जो क्वेश्चन आने की संभावना वो सब मैंने बता दिया सर मेरा नाम विद्वानंद प्रसाद है करीब एक माह हो गया है मेरा कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है कि यूट्यूब पर जब आप पढ़ाते हो तो कितना बार टेक्निकल टीम को कॉल किया बोले ठीक कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक ठोक नहीं ठीक नहीं हुआ अच्छा क्या हो जा रहा है देखिएगा क्या कर क्या करें देखा जा रहा है बेटा प्रखर कुमार देखा जा रहा है प्रकाश प्रकाश बाबू प्रकाश बाबू देखा जा रहा ठीक है सर देख लेंगे बात हो गया है सर देख लेंगे आपकी समस्या का निदान हो जाएगा ठीक है तो आई होप कि आप सभी लोगों को दोस्तों सेशन अच्छा लगा होगा नहीं अच्छा लगा होगा तो माफ करिएगा अच्छा लगा होगा तो शेयर और कर दीजिएगा लाइक वाइक का बटन ठोक दीजिएगा दबा करके एकदम कुमार वर्मा के लिए ठीक है ना इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच टेक केयर बाय गुड नाइट फिर मुलाकात होगा आपसे कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान जी हां मैं हूं खलनायक